काली आधुनिक साहित्य के अंतर्गत आज जो हम दो विषयों को मुख्य रूप से पढ़ने जा रहे हैं वो विषय है उत्तर छायावादी कविता और प्रगतिशील साहित्य। तो इन दोनों विषयों पर चर्चा करने के लिए विषय विशेषज्ञ के तौर पर अपनी दूसरी क्लास और पुनः हमारे साथ जुड़ चुके डॉक्टर अविजल गौतम सर, मैं स्वागत करता हूँ अपने विश्वविद्यालय उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अपने हिंदी विभाग की ओर से। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर वापिस से आज की इस जी कक्षा में। और आपसे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कृपया बीच में अपने माइक को अनम्यूट या अपने स्क्रीन को शेयर ना कीजिएगा क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो मैं सर को स्वागत करता हूँ पुनः आज की अपने व्याख्यान अपनी कक्षा की श्रृंखला में आगे बढ़ने के लिए। सर स्वागत है सर आपका, आप अपने विषय को सर आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद सर। शुक्रिया शुक्रिया अभिषेक जी। तो मित्रों, आज का विषय, जैसा अभिषेक जी ने बताया कि आधुनिक हिंदी साहित्य का ये दूसरा चरण है, जो छायावाद के बाद की कविता और प्रगतिशील कविता, आज दो विषय हम पढ़ेंगे। तो छायावाद के बाद की कविता और साहित्य में क्या फर्क था, जिसे हम उत्तर छायावादी हम कहते हैं, और बाद में उत्तर छायावाद कविता के बाद उसी का विकास हम प्रगतिशील साहित्य में देखते हैं या प्रगतिवाद में देखते हैं, तो उसे आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से व्याख्यान समझें, बीच में सुनते रहें, समझें, और जो सवाल हो वो व्याख्यान के बाद आप लोग हम अपने जो जिज्ञासाएं हैं रखिएगा, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं कि उत्तर छायावादी कविता, छायावाद के विकास की कविता का मुख्य स्वरूप कैसा था। हमने बताया था पिछली कक्षा में कि छायावाद, छायावादी कविता व्यक्तिवादी कविता थी, कल्पना प्रधान कविता थी, थोड़ी बहुत रहस्यात्मकता भी थी, रोमांटिक कविता भी कही जाती है, स्वच्छंदतावादी कविता थी। तो ये मूलतः आत्म केंद्रित कविता थी, लेकिन हमने ये कहा कि आत्म केंद्रित कविता का भी जो प्रभाव था वो समग्र जनता पर या समग्र मानस पर पड़ रहा था। वो ये कह लें कि वही हमने कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था, यानी वो एक ऐसी बात थी जिससे ये कहा जा सकता है कि जैसे एक व्यक्ति की पीड़ा भी पूरे समाज की पीड़ा अभिव्यक्त करती है। आज मजदूरों की जो समस्याएं हैं, किसी एक मजदूर से आप जो चलता हुआ मजदूर है सड़क पर, उसमें से किसी एक मजदूर की पीड़ा जो है वो सभी मजदूरों की पीड़ा है, उसी तरह यह छायावादी साहित्य हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये एक, जैसे एक साइकिल होती है, एक चक्र होता है, एक चक्र पूरा होने के बाद फिर दूसरा चक्र पूरा होता है, तीसरा होता है, यानी जो पहले केंद्र में था वो परिधि में जाता है, जो परिधि में था वो केंद्र में आता है। हमने देखा कि आधुनिक साहित्य जब शुरू होता है भारतेंदु के समय और द्विवेदी युग में, काव्य का विषय या काव्य या साहित्य की विषय वस्तु जो था वो समाज था, सामाजिक चिंताओं से हम घिरे थे। लेकिन छायावाद में आत्म केंद्रित हो गए, हमारी व्यक्ति चिंता हो गई, व्यक्तिनिष्ठ हो गए हम। अब धीरे धीरे फिर इसका स्वरूप बदला, अब हम धीरे धीरे प्रगतिवाद की ओर बढ़ रहे हैं, और प्रगतिवादी साहित्य जो है फिर से पूरी तरह समाज का साहित्य है, समाजवादी साहित्य है, या यूं कहें कि हमारी चिंता फिर से समाजोन्मुख हो गई, व्यक्तियोन्मुख से समाजोन्मुख होने वाली है। तो ये जो उत्तर छायावाद है, ये उसी का, छायावाद का विकास है, और प्रगतिवाद से, प्रगतिशील कविता से पहले का चरण है, जो यह बताता है कि कविता आत्म से अन्य की ओर जा रही है, स्व से समाज की ओर जा रही है। इसे हम बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, वो कौन से कारण थे। हमने कहा कि छायावाद में आपने देखा कि जो हमारा प्रमुख छायावादी आंदोलन था, उसके चार स्तंभ थे, प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। और आप पंत को देखें या निराला को देखें, कुछ हद तक महादेवी वर्मा भी, इन सबका विकास उत्तर छायावादी कविताओं के माध्यम से प्रगतिशील कविता तक ये लोग, इन लोगों ने लिखा। कहना ना होगा कि पंत जैसे कवि प्रयोगवादी कविता भी लिख रहे थे, जो प्रगतिशीलता के बाद की कविता, और लंबा काव्य जीवन उनका रहा है।
हम सिर्फ आज ये समझने की कोशिश करें कि क्या ये छायावादी कविता से जो समाज की ओर कविता जा रही थी, जिसको उत्तर छायावादी कविता हमने कहा, उसके क्या मूलभूत क्या बिंदु हो सकते थे, क्या कारण हो सकते थे और क्या मुख्य उसकी चिंताएं हो सकती थी। मित्रों, छायावादी कविताओं में कल्पना थी, छायावादी कविताओं में अपना दुख दर्द था, अपनी पीड़ा थी, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, निराला कहते हैं। और इस तरह मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा ने कहा। तो ये जो अपने दुख की बात थी, अब इस दुख से निकल कर समाज के दुख की बारी थी। अब हम समाज की चिंताओं और समाज के दुख की ओर बढ़ रहे थे और यह बढ़ने के क्रम में ही धीरे धीरे हम विकास करते हैं उत्तर छायावादी कविता और फिर प्रगतिशील कविता में हम पहुंचते हैं। मित्रों, हमने कल पिछले व्याख्यान में बताया था कि छायावाद के साथ साथ एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा भी चल रही थी, उसके पैरेलल और उसके बाद भी चलती रही, आजादी के आंदोलन और उसके बाद भी चलती रही। साथ में एक हालावादी कविता भी थी, जिसको जिसके प्रणेता बच्चन थे, जो हमने ये कहा प्रेम और मस्ती का काव्य जिसको कहा जाता है। तो मित्रों, आज दो चीजें हैं, आज छायावाद के बाद जो उत्तरवाद छायावादी कविता है वो प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता है और प्रेम और मस्ती की कविता है, जिसको हम हालावादी कविता भी कहते थे। और इसके विषय में हम थोड़ी बात आज करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बात थी। हमने देखा था फिर से वही बात कि छायावादी कविता अपने तक केंद्रित थी, अब बारी थी समाज में जाने की। वो क्या था, आप देखिए कि जब समाज में कोई यथार्थ प्रबल होता है, समाज में कोई यथार्थ गहन होता जाता है, तो हमें बार बार उसकी चिंता सताती है। हमारे अब हम वह दौर क्या था, वह दौर आज़ादी की लड़ाई का दौर था, सामाजिक यथार्थ का दौर था। हम एकजुट होकर न लड़ें, इसकी बात हम पिछली बार कर चुके हैं। प्रसाद ने संकेत किया कामायनी में कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय इनका करे समस्त विजयनी, मानवता हो जाए। तो सबके समन्वय, सबके एकजुटता की बात का संकेत प्रसाद ने कामायनी में किया था। अब वही एकजुटता की बात थी, वही यथार्थ जो समाज में घटित हो रहा था, रोज का रोज रोज जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष का, सामाजिक संघर्ष का ताना बाना व्यक्तिगत उच्छ्वास से तो नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए हमें सामाजिक कविता लिखनी पड़ेगी, यह दबाव था। इसलिए कहा गया कि वह यह उत्तर छायावादी कविता यथार्थ के बढ़ते दबाव से निकली है। अब जब अकेला पड़ जाता है कवि, तो वह कहता क्या है, बच्चन क्या कहते हैं, कितना अकेला आज मैं, संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से छूटा हुआ, किंतु अकेला आज मैं। तो यह कविता क्या है, यह एक तरह का उस अकेले पड़ जाने, वो जो एकाकी मैं शैली की स्थिति थी, अपने एक एक मुख होने की कविता थी। अब दौर थी संघर्ष में जो सब भागी हो रहे हैं, हमें उनकी बात करनी चाहिए। और फिर इसीलिए दिनकर कहते हैं, व्योम कुंजों की परी अई कल्पने, भूमि को निज स्वर्ग पर ललचा नहीं, उड़ न सकते हम तुम्हारे स्वर्ग तक, शक्ति है तो आ बसाल का यहीं। यह आवाहन कर कहते हैं दिनकर ने किया, कहा कि अब मैं तुम्हारी कल्पना के व्योम कुंजों में, कल्पना लोक में, आकाश में तो अब नहीं उड़ सकते हैं, तुम्हें अगर स्वर्ग बसाना है तो तुम आओ यहीं, यहीं इसी धरती पर, और यहीं कुछ करें। तो एक तरह से वो जो यथार्थ था उसकी प्रबल छाप थी और उसका दबाव था इस कविता में, संघर्ष की अभिव्यक्ति भी थी। माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों या ब्रिटिश राज्य का गहना, यानी जो कुछ भी, कोल्हू का चरक छू, जीवन की तान, मिट्टी पर लिखे अंगुलियों के क्या गान, खूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश राज्य या कुआ। ये एक कितनी बड़ी
संघर्ष की गाथा थी, कितनी बड़ी विडंबना थी जिसको माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवि रेखांकित कर रहे थे, उसको उजागर कर रहे थे। यह एक ऐसा दबाव था कि जो वैयक्तिक स्तर से सामाजिक स्तर तक जाने की कविता के लिए प्रेरित हुआ, उसे समझने में यह बात मदद करती है। इसी रूप में हम आगे देखें तो छायावादी कविता को हृदय की कविता कहा गया, यानी जो आपके मन की पीड़ा थी। हृदतंत्री का गान, हृदतंत्री का गान, हृदय की वीणा का गान कहा छायावादी कविता का। लेकिन अब सिर्फ हृदय से तो काम चलेगा नहीं, हृदय और बुद्धि का सामंजस्य चाहिए जीवन में, तभी बात बनती है। और हृदय और बुद्धि के सामंजस्य से ही हम समाज की उन्नति कर सकते हैं, इसका भी दबाव था। और बाद में हृदय और बुद्धि का द्वंद एक रूप में इस उत्तर छायावादी कविता के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता बनता है, एक बहुत बड़ा। दिनकर लिखते हैं कि लिख सको तो उंगलियों से खोद कर एक छोटा काव्य भूतल पर लिखो। ये भूतल पर लिखने वाली कविता कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी व्योम तक, हम कल्पना के व्योम तक, कल्पना के आकाश में लिख रहे थे, तो इसलिए दिनकर कहते हैं कि अगर तुम्हें लिखना है तो लिख सको तो उंगलियों से खोद कर एक छोटा काव्य भूतल धरती पर लिखो। बुद्ध के बल पर जिसे पहले लिखा था, आज उसको बाहों के बल पर लिखो। तो अब दिनकर और आगे जाते हैं, वो बुद्धि से भी आगे बाहों तक की बात करते हैं, श्रम की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं। इसका दबाव हमें उस कविता में दिखता है, उत्तर छाया वाली कविता में। बेचैन है हवाएं सबोर बेकली है, कोई नहीं बताता किसकी किधर चली है। मझधार, बड़ी चर्चित कविता है दिनकर की, मझधार है भंवर है या पास है किनारा, या नाश आ रहा है सौभाग्य या सितारा। आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा, भगवान इस नदी को भरमा न दे अंधेरा। तो ये बार बार वो कह रहे थे। इसी समय बच्चन भी लिख रहे थे, पांव चलने को विवश थे जब विवेक विहीन था मन, आज तो मस्तिष्क दूषित कर चुके पथ के मलिन कर। तो अब हमें हृदय और बुद्धि के विलास से आगे जाना था, समाज में उतरना था, तो अब साहस की जरूरत थी, अब शौर्य की जरूरत थी, पराक्रम की जरूरत थी, जिसकी पुकार कवि करता है। अब हमें शामिल होना था आजादी की लड़ाई में, जो बिखरे हुए लोग थे उन्हें संगठित करना था। यह कविता एक और आजादी की लड़ाई से जुड़ने का कारण ऐसा यूं ही नहीं आया होगा, गांधी का बढ़ता हुआ दबाव, भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारी और जो परिदृश्य उस समय था क्रांतिकारियों का, उनका बहुत सा दबाव कविता में देखा जा सकता है। सहज सरल मनुष्य और उसकी अभिव्यक्ति का बहुत सारा भार इस कविता के ऊपर था। दिनकर लिखते हैं, रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती और शोणित अनुभव करता है। वहां बुद्धि से बार बार आगे जाने की बात करते हैं कि बुद्धि है तो आप सोचेंगे, विवेक से काम करेंगे, लेकिन अब विवेक नहीं, अब सुभाष चंद्र ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अब दौर उसका था। अब रक्त बुद्धि से अधिक बली है, उन्होंने कहा रक्त जो है बुद्धि से अधिक बलवान है, ये ज्ञान देता है, बुद्धि सोचती है, लेकिन शोणित जो है, रक्त जो है वो अनुभव कराता है। अनुभव क्या कराता है? अपने भाइयों के लिए रक्त बहाएंगे, अपने देश के लिए रक्त बहाएंगे, तो वह अनुभव क्या है? आत्मगौरव से भर देगा आपको और आपको अमर कर देगा। यह बात लगातार कविता में आती जा रही थी, और जिसे हम हमने उत्तर छायावादी कविता कहा। यह एक तरह का अब तर्क जाल, यानी अलकों का जाल, केशों का जाल, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, उससे आगे निकलने का काव्य था, या एक अग्निपथ था। बच्चन ने जैसे लिखा, हम ही स्वर्ग की, हम ही नरक की, क्षण भर सीमा छू आते, हम कब अपनी बात छिपाते। हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब इसमें आवेग और मस्ती भी है। चीर दूंगा विश्व के तूफान को, आज उन्मुख हूं क्षितिज के पान को, बस न पूछो प्राण सीमाहीन हूँ, दलित कर दूंगा गगन के गान को। अब यह फिर से
चीर दूंगा विश्व के तूफान को। आप देखिए धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, जब प्रगतिशील साहित्य में या ये जो दौर चल रहा है, ये राजनैतिक रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तो था ही, ये विश्व में छिड़े महान वैश्विक युद्ध की भी विभीषिका थी। एक ओर इटली, जापान और जर्मनी तानाशाही कर रहे थे, एक तरफ अमेरिका, इंग्लैंड और ये लोग पूंजीवादी शक्तियों से प्रहार कर रहे थे। एक ऐसा दौर आने वाला था ये, जिस दौर की बात कवि कहता ही है कि चीर दूंगा विश्व के तूफान को, जो विश्व में तूफान मचा पड़ा है उसको चीरने की, उसको समाप्त करने की बात कवि ने की है। बहरहाल अब हम देखते हैं कि ये जो उत्तर छायावादी कविता है, हमने बताया कि ये दो तरह की कविता है, एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता है, यानी एक तरह के ऐसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों को केंद्र में रखकर कविता लिखी। आपको याद होगा दिनकर हुए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हुए हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हुए हैं, नवीन हुए, ये लोग ऐसे थे जो राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखते थे। आवश्यकता थी उस समय, वही आवश्यकता थी समाज को एक जगाने की, एकजुट करने की, और वही आदर्श भरने की बात थी। वो कविता आपको याद होगी, माखनलाल चतुर्वेदी की, पुष्प की अभिलाषा। वो कविता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर ने। वह एक ऐसी बात थी, कहने का मतलब ये था कि हमें आदर्श, हमें आजादी की लड़ाई में हम शहीद हो जाएं, इसका आदर्श रचना था, हम औरों के लिए आदर्श बन सकें। ऐसी बातें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में निकल कर आने लगी। और नवीन ने लिखा है कि नियम और उपनियमों के ये बंधन टूक टूक हो जाएं, विश्व भर की पोषक वीणा के सब तार मूक हो जाएं, कभी कुछ ऐसी तान सुना दो जिससे उथल पुथल मच जाए। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं नवीन की, कभी कुछ ऐसी तान सुना दो जिससे उथल पुथल मच जाए। यह ऐसी तान सुनाने, वह तान ऐसी ना हो जो सुला दे, ध्यान रखिए, नवीन कवि नवीन ऐसी कविता, ऐसी तान सुनाने की बात नहीं कर रहे हैं जो तान या संगीत या लोरी आपको सुला देती है। ऐसे संगीत, ऐसी तान और ऐसी कविता की बात कर रहे हैं जो उथल पुथल मचा दे, जो आपको अंदर से बेचैन कर दे, पूरे समाज को आंदोलित कर दे। यह कविता एक ऐसी कविता है जो प्रयाण है, एक तरह का जो उस पूरे महान यज्ञ, महान हवन जो आजादी की लड़ाई में हो रहा था, उस ओर इशारा कर रही कविता थी। सोहन लाल द्विवेदी हुए, बड़े महत्वपूर्ण कवि हुए। न हाथ एक शस्त्र हो, न साथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अब वीर तुम बढ़े चलो, आपने सुना होगा, बड़ी महत्वपूर्ण कविता है यह। कहते हैं कोई शस्त्र की जरूरत नहीं है, न अस्त्र की जरूरत है, न अन्न की, न नीर की, न पानी की, न वस्त्र की। लेकिन अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम विपन्न थे, हम गरीब थे उस समय, हमको चूस लिया गया था ब्रिटिशों ने, बहुत सारी तमाम तरह के शासकों ने। तो अब स्थितियां ये बनी कि अब हमें करना यह था कि हमें हर हालत में हमें आगे बढ़ना था, पीछे नहीं आ सकते आजादी की लड़ाई में। इसलिए सोहन लाल द्विवेदी कहते हैं बढ़े चलो बढ़े चलो। तो अब उसी तरह नवीन भी उसी समय लिख रहे थे, आज खड्ग की धार कुंठित है, खाली तूणीर हुआ, विजय पताका झुकी हुई है, लक्ष्य भ्रष्ट यातीर हुआ। अब फिर एक और, फिर इसे जगाने की कोशिश कवि ने की है। अब यह एक ऐसी बात थी, आपने देखा महादेव, इनको दिनकर को देखा आपने, बच्चन को देखा, नीरज को नवीन को देखा। अब यह सांस्कृतिक राष्ट्रीय काव्यधारा में जागरण था, इस चीज का जागरण था, राष्ट्र प्रेम का जागरण था, अपने देश पर मर मिटने का जागरण था। वहीं एक तरफ बहुत ही महत्वपूर्ण कविता और लिखी जा रही थी, जिसको प्रेम और मस्ती का काव्य कहा, इसको हालावाद भी कहा जाता है। इसमें बड़ी मस्ती है, एक तरह खास दर्शन है, यानी यहाँ वैयक्तिक प्रेम और
बहुत ही आत्म केंद्रता के प्रति निराशा है। अब यह नितांत लौकिक धरातल पर जो प्रेम उभर कर आता है, वह उत्तर छायावादी कविता में इस रूप में प्रकट होता है। बच्चन कहते हैं, बच्चन की बहुत सारी कविताएं हैं, बच्चन की आत्मकथा है। उस आत्मकथा की कुछ पंक्तियां भी हैं, और उससे प्रकट होता है कि वो किस दिशा में किस तरह की मनोवृत्ति रखकर कर रहे थे। मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। इस तरह की कविता, यानी एक व्यक्ति के जो भाव हैं वो बिना छिपाव और जुड़ाव वाले भाव हैं, मस्ती के आलम। वो आगे भगवती चरण वर्मा लिखते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस प्रकार नवीन ने भी एक कविता लिखी, हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के पड़ जाने दे वर्क नशे में, ऐसी पिला कि विश्व हो उठे एक बार तो मतवाला, साकी अब कैसा विलंब भर भर ला तन्मयता हाला। तो ये अब उसी मतवाली मस्ती में जाने की बात थी, ध्यान रहे एक चीज, यह नशे में जाने की बात नहीं थी। नशे में आदमी जाता है तो सो जाता है, लेकिन एक खास तरह की मस्ती में जाने की बात है। अब वह मस्ती आपको भगत सिंह में देखने को मिलेगी, अपने देश के लिए कुर्बान सैनिकों में दिखेगी। उस मस्ती की बात कर रहे हैं, वो शराब पी के सोने या नशे की बात नहीं कर रहे हैं। कबीर ने लिखा कि पीवत राम रस चढ़ी खुमारी, वो उस खुमारी की बात है, राम रस पीने के बाद जो खुमारी चढ़ती है। तो ये मतवालापन है, वो उस रूप में आप देख सकते हैं। यह नशा नहीं था, यह सुलाने वाली बात नहीं थी, यह मस्ती यानी एक तरह का बुद्धि विलास जो चल रहा था ऊपर, उससे इतर कुछ बात थी। उसको हटाकर और मन के छंदों के खुल जाने की बात थी, अपनी धरती, अपने अपने प्रेम, अपने देश, उसके लिए मर मिटने की बात कवि इस रूप में कर रहा है। दिनकर कहते हैं कि छल बुद्ध की भांति जिसे सुख दुख से भरे भुवन में पाप दिखता, वहां जहाँ सुंदरता हुलस रही है और पुण्य वहां जहाँ कंकाल कुलिस कांटे हैं। बुद्ध का विरोध, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, यह बात थी मस्ती की। उस क्षणिक बोध, उस एक दार्शनिक भावबोध भी है, यह जीवन जो है कितना क्षणिक है। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। तो यह एक ऐसा परिचय था जो इस परिचय यानी इस भावबोध में ही कोई व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ कर सकता है। तो इस रूप में आप और भी आगे देखते हैं, शून्य में भरता उदध उर की रहस्यमयी पुकारें, इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में, सिंधु का हिल्लोल कल्पन तीर कैसे पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। अब ये जो लहरों में निमंत्रण की बात है, आप इसे देख सकते हैं। बच्चन फिर लिखते हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं अभी छायावाद में, इसमें थोड़ा फर्क समझ लीजिएगा। छायावाद में कहा गया पलायन था, पलायनवादी कविता है कुछ हद तक। उसके लिए कहा जाता है कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। अब ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इसका मतलब है कि कहीं और दूसरा लोक या दूसरा संसार है जो इससे ज्यादा सुंदर है, वहां ले जाने की बात छायावादी कवि कर रहा है। लेकिन उत्तर छायावादी कविता में बच्चन क्या लिखते हैं कि इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। कहते हैं कि इस पार तो तुम हो, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार रजा, वो उस पार की बात नहीं करते, कहते हैं इसी पार जो कुछ है सो है। इस पार तुम हो, मधु है, सब है, जीवन है, सब कुछ है, उस पार कौन होगा क्या जाने। तो यह उस रूप में छायावादी कविता के बिल्कुल उलट कविता समझ में आती है, या उसके विस्तार की कविता भी हम कह सकते हैं। बहरहाल
छायावादी वैयक्तिक प्रेम गीतों से इस कविता का यह महत्वपूर्ण अंतर है कि अलौकिक धरातल के प्रेम जो था उससे उत्पन्न उल्लास, मस्ती, मादकता, निराशा, कुंठा की कविता है। अभी तक की क्या स्थिति रही है? अभी तक जो प्रेम था वह लौकिक नहीं था, वह आत्मिक प्रेम था, अंदर का प्रेम था, व्यक्तिक प्रेम था, लौकिक बाहर समाज का प्रेम नहीं था। लेकिन यह कविता जो है वह लौकिक धरातल पर उपजी हुई कविता है, वहाँ उपजी हुई मस्ती है, उल्लास है, मादकता है। और यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि इस धारा में जो निराशा और पराजय का स्वर है वह सिर्फ प्रेम की असफलता के कारण नहीं है, यह भी स्वच्छंदतावादी कविता है, यहाँ भी रोमांटिक भाव है, लेकिन अंतर सिर्फ इस गंभीरता का है क्योंकि छायावादी मूल्यों से टकराहट की क्राइसिस में इन कवि छायावादी कवियों से कुछ टकरा रहे थे, इनके मूल्यों कुछ मूल्य टकरा रहे थे, उस टकराहट और उस मस्ती जो इनके मन में थी और वहाँ जो एक चुस्त दुरुस्त तटस्थता का भाव था, इसी बीच इसी के क्राइसिस उसी टकराहट के कारण यह निकलकर सामने आती है। काव्य भाषा के मामले में दो बड़े बदलाव हुए। काव्य भाषा यानी शिल्प में भाषा और शैली की बात हम कर लें, कविता छायावादी और उत्तर छायावादी कविता में जो फर्क आया वो ये था। छायावादी कविता आपने देखी होगी, छाया प्रसाद को पढ़े, पंत को पढ़े, निराला को पढ़े, महादेव को, सबकी कविता तत्सम प्रधान कविता है, शुद्ध हिंदी की कविता है। यानी वहाँ शुद्ध हिंदी का मतलब है कि संस्कृत निष्ठ शब्द आए, तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग हो, वहाँ अंग्रेजी का प्रयोग नहीं है, वहाँ फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं है, और है भी तो बहुत कम। लेकिन यह कविता एक ऐसी कविता है जो अपने रूप में भी बहुत सारे बदलाव करती है, भाषा में बहुत बदलाव करती है, वो चाहे बच्चन हो, अंचल हो, भगवती चरण वर्मा हो। अब इनमें आपको देखने को मिलेगा कि संस्कृत शब्दों में कुछ कमी आई है, बोलचाल के शब्दों का कुछ प्रभाव ज़्यादा बढ़ा है, उर्दू या हिंदुस्तानी भाषा आपको इनमें देखने को मिलेगी। बच्चन की आप पढ़िए कविता, हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला, नाज अदा अंदाजों से अब हाय पिलाना दूर हुआ, अब तो कर देती है केवल फर्ज अदाई मधुशाला। यहाँ जो उर्दू शब्द है वह आपको देख सकते हैं कि यह उर्दू उस पूरी रवानगी को बताती है, भाषा के मामले में सहजता की ओर हमें ले जाती हैं और भाव को अभिव्यक्त करने में हमें सहजता प्रदान करती हैं। उत्तर छायावादी कविता या प्रगतिशील कविता में आप निराला की कविताओं को भी देखें, जैसे उनकी कविता है निराला की कुकुरमुत्ता कविता, अबे सुनबे गुलाब, भूल मत जो पाई, खुशबू रंग आग, खाद खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, दाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। वहाँ इस तरह कैपिटलिस्ट, कोट और बटन होल जैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग मुहावरों के रूप में हुआ है। तो यह एक भाषा के विस्तार की भी कविता है, भाषा के बदलाव की भी कविता है। अच्छा, छंद और लय में मुक्ति हो ही गई थी, निराला लिखते हैं खुल गए छंद के बंद, लेकिन यह कविता छायावाद की देन थी कि लय खुल गए। लेकिन एक बार थोड़ा सा उत्तरचारी छाया कविताओं ने छंदों की विविधता को अपनाया और अनेक रमणीय गीतों को लिखा, और थोड़ी सी प्रवाहपूर्ण शैली भी आपको यहाँ देखने को छायावादी कविता के बनिस्बत ज्यादा दिखाई देगी उत्तर छायावादी कविताओं में। यहाँ लय सुर ताल थोड़ा अधिक आपको मिलेंगे। आप बच्चन की कविता मधुशाला आप पढ़ें तो आप कलित कल्पना का ही इसने सदा उठाया है प्याला, मान दुलारों से ही रखना इस मेरी सुकुमारी को, विश्व तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूँ मधुशाला। तो ये एक राइम की कविता थी लय की। तो थोड़ा सा अच्छा प्रबंध विधान के मामले में कामायनी हो या राम की शक्ति पूजा, सब बड़ी बड़ी कविताएं, और प्रबंध लिखना छायावाद में हालांकि प्रबंधात्मकता बहुत कम है, वो कामायनी में दिख जाएगी, उसके अलावा प्रबंधात्मकता बड़ा अप्रासंगिक हो गया था, लेकिन धीरे धीरे
छायावाद में लंबी कविताओं का दौर था, लेकिन उत्तर छायावादी कविताओं में प्रबंध रचनाएं थोड़ी बहुत द्विवेदी युगी नेतृत्वात्मकता और लाक्षणिकता के साथ रचित हैं। आप दिनकर के यहाँ देखिए, वो चाहे कुरुक्षेत्र हो, उर्वशी हो, रश्मिरथी हो, गुप्त जी की जय भारत विष्णुप्रिया हो, या इस तरह के आप अनेक सियाराम गुप्त की उन्मुक्त हो, केदारनाथ मिश्र की प्रभात, रितंभरा नरेंद्र शर्मा की द्रौपदी जैसी रचनाएं प्रबंधात्मकता लिए, प्रबंध विधान की कविताएं पूरे प्रबंधात्मकता है। जो छायावाद में छूट चुका था, द्विवेदी युग की विशेषता थी, वो फिर से उत्तर छायावादी कविताओं में हमें देखने को मिल जाती है। मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर इस उत्तर छायावादी काल के प्रमुख कवि हैं। आपने देखा उनका स्वर राष्ट्रीयता और सांस्कृतिकता भरा रहा, सामाजिक कुरीतियों पर उन्होंने प्रहार भी किए। उर्वशी हो, हुंकार हो, चक्रवाल हो, इन सभी कविताओं में, रश्मिरथी हो, उनका जो स्वर है वो हमें देखने को मिलता है। सुनूं क्या सिंधु मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। यह एक भाव आपको उन कवि उनकी रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में मिल जाएगा। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूं मैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जो स्वर था वो कितना ऊंचा था, राष्ट्रवादी सांस्कृतिक चेतना से जागृत स्वर था। एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हरिवंश राय बच्चन हुए हैं, जिनके बारे में हमने आपको बताया। इस पार प्रिय कवि है, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। दृग देख जहाँ तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है, उस पार खड़ा है काकी कोई बुलाता है, इस टाइप की कविता है। या आप देखिए, जो हालावाद था उसके प्रवर्तक थे, निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत, आकुल अंतर, या मधुशाला, मधुकलश, इस तरह की रचनाएं हैं जो मस्ती की कविताएं थी, वो आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिनके नवीन की बात हम कर रहे थे, उनका नाम बालकृष्ण शर्मा है पूरा, तो इन लोगों की कविताओं में आप फिर से राष्ट्रवादी सांस्कृतिक चेतना को आप देखेंगे। तो चाहे पुष्प की अभिलाषा में देखें आप, या अपलक और क्वासी जैसी कविताओं में आप देख सकते हैं। नरेंद्र शर्मा एक बड़े महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी के फूल इत्यादि कविताएं और संग्रह बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। भगवती चरण वर्मा के बारे में हमने बताया ही, ये बड़े अनासक्त भोक्ता के कवि कहे जाते हैं, भाषा में बड़े सुंदर और मोहक रचनाएं हैं, मस्ती के गीत गाते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसके अलावा रामेश्वर शुक्ल अंचल का नाम, गोपाल सिंह नेपाली का नाम, आरसी प्रसाद सिंह, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी इत्यादि इस धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने उत्तर छायावादी रचनाओं में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और मस्ती और प्रेम की कविता में बड़ा योगदान दिया है। इस प्रकार से उत्तर छायावादी कविता अपने इस संपूर्ण कलेवर में बहुत महत्वपूर्ण कविता थी। ध्यान रहे कि छायावाद के बाद हम प्रगतिवाद, प्रगतिशील कविता पढ़ते हैं, लेकिन छायावाद का विकास है उत्तर छायावादी कविता, और प्रगतिशील कविता का पूर्वार्ध है, या कह लें उसकी भूमिका है उत्तर छायावादी कविता। इस रूप में हमें इस कविता को देखना चाहिए, समझना चाहिए। मित्रों, छायावाद के बाद प्रगतिशील या प्रगतिवादी कविता का दौर आता है, हमने बीच में बताया उत्तर छायावादी कविता। उत्तर छायावादी कविता से जब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान रहे हमने कहा था 1920 से 1936 के बीच की कविता को हम छायावादी कविता के नाम से जानते हैं। 1936 से लेकर 1943 तक की जो कविता है वो प्रगतिशील कविता है। अब यह प्रगतिशील कविता छायावाद से कैसे भिन्न है, वो तो हमने बता दिया उत्तर छायावाद में ही। अब उत्तर छायावाद में जो कविता है उसका भी थोड़ा सा विकास या विकसित रूप हमें प्रगतिशील कविता में दिखाई देता है। यह एक ऐसा दौर था 1936 के आसपास का, उस समय शुरुआत हुई।
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई थी, जिसकी पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ। उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी और उस समय से हम प्रगतिशील साहित्य की शुरुआत मानते हैं, प्रगतिशील कविता की। और प्रयोगवाद में जो पहला तार सप्तक 1943 में छपा था, वहाँ तक के बीच की कविता को हम प्रगतिवादी कविता, प्रगतिशील कविता के नाम से जानते हैं। अब हम आगे प्रगतिशील कविता के बारे में, प्रगतिवादी कविता के बारे में, उसकी विचारधारा के बारे में बात करेंगे और सबसे अंत में हम आप लोगों की जिज्ञासाएं और सवालों को बताएंगे। मित्रों, प्रगतिशील कविता या प्रगतिवादी कविता जो थी, उसका सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए। प्रगतिशील कविता को प्रगतिवादी कविता भी कहा जाता है या प्रगतिवाद एक आंदोलन के रूप में कहा जाता है, और कविता का नाम हमने लिया प्रगतिशील कविता। प्रगतिशील कविता का संबंध दो धरातलों पर थोड़ा हम समझ लें। एक तो हमने कहा कि राष्ट्रीय जो जागरण चल रहा था, राष्ट्रीय संघर्ष चल रहा था स्वतंत्रता का, उस स्वतंत्रता संघर्ष में, उस स्वतंत्रता संघर्ष का जो गहरा असर था आपको इस कविता में दिखाई देगा। दूसरी ओर जो सोशल रियलिटी जिसको हम कहते हैं, सामाजिक यथार्थ का की गहन अभिव्यक्ति का भी जो असर था, इस कविता में देखा जा सकता है। मित्रों, प्रगतिवादी कविता को मार्क्सवादी कविता भी कहा जाता है, या यूं कहें कि बहुत आलोचक ऐसे हैं जो प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक रूपांतरण मानते हैं। जो सबसे प्रमुख विवाद रहा है वो ये रहा है कि प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में क्या फर्क है, प्रगतिवाद या प्रगतिवादी कविता क्या है, प्रगतिशील क्या है, प्रगतिशील कविता क्या है। तो जो विद्वानों में मतभेद था, मैं पहले उनके बारे में बता दूं, फिर कुछ अपने विचार भी रखूंगा आपके सामने। प्रगतिवाद और प्रगतिशील कविता अगर हम कहें, तो हमने जैसा कहा कि प्रगतिवाद वह है जो मार्क्स के विचारों पर आधारित कविता है, वह प्रगतिवादी कविता है। लेकिन फिर प्रगतिशील कविता क्या है? तो प्रगतिशील कविता को विद्वानों आलोचकों ने कहा कि भाई, बिना ऐसे भी कवि हैं जो बिना मार्क्सवादी सिद्धांतों के, या मार्क्सवादी नहीं है वो, लेकिन फिर भी कविता लिखते हैं और प्रगतिशील कविता लिखते हैं। तो ऐसे कवियों की कविताओं को हम प्रगतिशील कविता मान लें। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे फिर से समझ लें। कहा गया कि जो मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित कविता है, उसको प्रगतिवाद कहें या प्रगतिवादी कविता कहें। लेकिन बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो मतलब मार्क्सवादी नहीं है, फिर भी उनकी कविताएं प्रगतिशील हैं। प्रगतिशील क्या होता है? जो मानवीय मूल्यों को लेकर सदैव प्रगतिशील रहे, मानव के विकास में सदैव स्वीकार्यता का बोध हो, ऐसा कवि जो है प्रगतिशील होता है। 36 में जो अधिवेशन हुआ लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का, प्रेमचंद ने कहा कि कवि और लेखक स्वभावतः प्रगतिशील होते हैं। उनमें मार्क्स की के विचारों को आपको ले मार्क्स के विचारों को लेकर आप चलें ऐसा जरूरी नहीं है, लेखक स्वभावतः प्रगतिशील होता है। तो ये थोड़ा सा द्वंद था, लेकिन बाद में इस द्वंद को भी इसका निराकरण भी किया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसमें विवाद की स्थिति मानते हैं। थोड़ा ये समझना होगा कि जैसे छायावाद वाद और छायावादी कविता में कोई भिन्नता नहीं है, उसी प्रकार प्रगतिवाद और प्रगतिवादी या प्रगतिशील कविता में वाद और शील में क्या फर्क है, ये सिर्फ विषय का मुद्दा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार छायावाद और छायावादी कविता में कोई खास फर्क नहीं है, कोई खास फर्क है ही नहीं, उसी प्रकार प्रगतिवादी और प्रगतिशील कविता में भी कोई फर्क नहीं है।
प्रगतिवादी कविता हो या प्रगतिशील कविता हो, वो मार्क्स की के विचारों का अनुवाद नहीं है। हाँ, मार्क्स ने शोषक और शोषित और शोषक वर्ग में जो वर्ग संघर्ष दिखाया है, वह वर्ग संघर्ष जरूर हमें कविताओं में दिखता है। और एक कवि के अंतर्मन में, एक कवि के रचनात्मकता में, रचनाशीलता में यह जरूर है कि वह प्रगतिशील होगा। इसीलिए निराला को, निराला आत्मचेतस कवि थे, लेकिन निराला को मैं वह इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर दिखाई दे जाता है। सामने सामने मालिका अट्टालिका प्राकार वो दिखता है। तो कविता उसी श्रम, उसी श्रमिक और उसी शोषित वर्ग की कविता है। वह कविता निराला को, वह भाव निराला में दिख जाता है। वह अबे सुनबे गुलाब में दिख जाता है। एक पूंजीवादी है और एक सर्वहारा है। सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है कुकुरमुक्ता। तो वह संघर्ष आपको दिखेगा। यानी जो प्रेमचंद ने कहा कि हर कवि या लेखक स्वभावतः प्रगतिशील है, तो यह मान लेना चाहिए कि जो भी रचना होती है वह इस रूप में प्रगतिशील ही होती है। इस संबंध में नामवर सिंह ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जिस तरह छायावाद और छायावादी कविता भिन्न नहीं है, उसी तरह प्रगतिवाद और प्रगतिशील साहित्य भी भिन्न नहीं है। वाद की अपेक्षा शील को अधिक अच्छा समझकर इन दोनों में भेद करना कोरा बुद्धि विलास है। और कुछ लोगों की इस मान्यता के पीछे प्रगतिशील साहित्य का प्रच्छन्न विरोध का भाव भी छिपा है। नामवर सिंह ने ठीक ही कहा। उनका थोड़ा इशारा इस ओर भी था कि कुछ लोग प्रगतिशील या प्रगतिवादी कविता का विरोध कर रहे हैं। शायद उस विरोध के भाव के कारण उनके मन में ऐसी बात आई और छायावाद प्रगतिवाद और प्रयोग प्रयोग छाया प्रगतिवाद और प्रगतिशील कविता में फर्क करने लगी, जो कि मुख्यतः एक ही है। आप ध्यान करिए, आपको याद है गे का नाम आप लोगों ने सुना है। गे ने बहुत महत्वपूर्ण प्रगतिशील साहित्य लिखा, लेकिन वो कभी भी मार्क्सवादी नहीं रहे, कभी भी कम्युनिस्ट नहीं रहे वो। लेकिन उनका साहित्य जो है वो प्रगतिशील था। खुद वो अनेक बार जेल की यात्रा की और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। तो इसलिए कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी साहित्य या प्रगतिशील साहित्य बुनियादी तौर पर उसमें कोई भेद नहीं है। यह सही है कि प्रगतिशील लेखकों ने अपनी विचारधारात्मक प्रेरणा मार्क्सवाद से ग्रहण की, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रगतिशील साहित्य मार्क्सवाद का अनुवाद भर है, वो कोई ट्रांसलेशन मात्र नहीं है। इसी तरह 36 में जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, हिंदी उर्दू के ही नहीं बल्कि इसमें दूसरी अधिकांश अन्य भारतीय भाषाओं के लेखक जुड़े। वस्तुतः लेखक प्रगतिशील ही है, प्रगतिशील होता ही है। बस अब जरूरत थी सब लेखकों को संगठित होने की, इसलिए प्रगतिशील लेखक संघ के झंडे के तले सभी ऐसे लेखक इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि तो उन्हें यह महसूस हो रहा था कि देश को औपनिवेशिक दासता से मुक्त कराने के लिए। अच्छा, दुनिया में दो तरह के युद्ध थे उस समय। अपने यहाँ औपनिवेशिक दासता थी और विश्व में जो फांसीवादी, नाजीवादी और उपनिवेशवादी जो युद्ध छिड़ा था, जो पूरा परिदृश्य था, उनके खिलाफ हमें लामबंद होना था, उनके खिलाफ हमें कविता लिखनी थी। इसलिए कहा जाता है कि एक ओर तो हमें औपनिवेशिक दासता से मुक्त कराने के लिए तथा दुनिया को फांसीवाद के खतरे से बचाने के लिए सभी लेखकों को संगठित होना चाहिए। जिस तरह मजदूर, किसान और विद्यार्थी एकत्रित हो रहे हैं, उसी तरह सब एकत्रित होकर हमें इस पूरे साहित्य को सांस्कृतिक रूप से स्वायत्तता और स्वतंत्रता के बल पर फांसीवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ मुहिम छेड़नी चाहिए। इस तरह से यह सवाल भी आया कि मुक्तिबोध लिखते हैं कि लेखकों से कि तुम कहाँ हो, किस ओर हो, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तय करो तुम किस ओर हो। तो यह बात कि तुम किस ओर हो, तटस्थ तो लेखक ने ऐसे समय में जब देश में इतना महान यज्ञ हो रहा था आजादी की लड़ाई का, विश्व इतने महान संघर्षों के दौर से गुजर रहा था, ऐसे में
कोई लेखक निरपेक्ष नहीं रह सकता, तटस्थ नहीं रह सकता, उसको तय करना होगा उसकी भूमिका क्या है। तो यह वही दौर था जब कहा गया, तय करो तुम किस ओर हो, तुम किस ओर हो। और उसी समय साहित्य की उपाधेयता, साहित्य क्या होगा, कैसा होगा, उसकी भी बात बार बार उठाई जाती थी। बहरहाल आपने देखा, मैंने कहा कि प्रगतिशील साहित्य या प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवादी विचारों पर आधारित साहित्य है, उसका साहित्यिक रूपांतरण है, मात्र अनुवाद नहीं है, उसका प्रभाव, उसका बहुत गहरा प्रभाव। मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, उसका बहुत बड़ा असर साहित्य पर पड़ा, कला पर पड़ा और तमाम दर्शन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसीलिए जो भारतीय साहित्य है उस दौर का, प्रगतिशील आज़ादी के समय का जो साहित्य, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। देखिए उस समय की एक और चिंता थी, आगे आप प्रयोगवादी कविता में धीरे धीरे देखेंगे कि एक ओर तो हम आज़ाद होने की लड़ाई में शामिल हैं, दूसरी ओर हमें आशा है कि हम आज़ाद होंगे तो हमें कैसा मुल्क बनाना है, कैसा राष्ट्र बनाना है, इसकी भी चिंता हमें आगे दिखाई देगी। कहना ये है कि हमारी जो हमारे मनुष्यता की जो पूरी विकास यात्रा है, वो पहले दासता का युग था, फिर सामंतवादी युग था, फिर पूंजीवादी युग था, और हम बढ़ किधर रहे थे, हम समाजवादी या साम्यवादी राज्य की ओर, या साम्यवादी सिद्धांत की ओर, या साम्यवादी विचार की ओर, या साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे थे। तो यह एक चिंता थी कि हम कैसे राज्य होंगे, हम पूंजीवादी अमेरिका की तरह होंगे या जर्मनी की तरह हम नाजीवादी होंगे, हम कैसे होंगे, यह तय करने का भी दौर था। तो आप देखेंगे बाद के कवियों की यह चिंताएं, बाद में हम कैसे होंगे इसके लिए भी संघर्षरत थे। उस समय यह मार्क्सवादी जो विचार था, मार्क्सवादी जो दर्शन था, जिसको केंद्र में रखकर, जिसके सिद्धांतों को आत्मसात करके कवि लिख रहे थे, शोषण का विरोध कर रहे थे, श्रम और शोषित वर्ग के मध्य जो बहुत बड़ा बड़ी खाई थी उसको उजागर कर रहे थे, उन लोगों की चिंताएं इस ओर भी थीं कि हम आगे भविष्य में क्या होंगे, इस पराधीनता से तो हम छूट जाएंगे, आगे क्या होगा, यह हमें आप देखने को मिल जाए। 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई, रूस की क्रांति, आप जानते होंगे, रूस में मार्क्सवादी सरकार बन गई, 17 में क्रांति हो गई, उसका बहुत बड़ा असर संपूर्ण विश्व पर पड़ा, भारत पर भी पड़ा, और उसी के असर के फलस्वरूप हमारे यहाँ प्रगतिशील आंदोलन तेज हुआ, प्रगतिवादी कविता का आंदोलन बहुत तेज हुआ, और 35 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, 36 में उसका पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, वो हमें आप देख सकते हैं। मार्क्सवादी दर्शन का जो आधार है, वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है या ऐतिहासिक भौतिकवाद है? या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, ज्यादातर समस्या इसमें आती है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या वर्ग संघर्ष की चीज है, यानी द्वंद्व है, किसी दो चीजों में द्वंद्व है और उसी से कुछ, तो ये कहते हैं कि ये द्वंद्वात्मक भौतिकता क्या है, जो भौतिक जीवन है हमारा, जो हम जीते हैं, जो हमारा वस्तु जगत है, इसमें कहीं द्वंद्व है, क्या द्वंद्व है, इसमें शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, या कह लें पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच में जो द्वंद्व है, जो स्ट्रगल है, वही वर्ग संघर्ष है। और वर्ग संघर्ष को ही हमने वर्ग संघर्ष, मार्क्स ने कहा कि ये वर्ग संघर्ष जब से हम पैदा हुए हैं तब से लगातार निरंतर चल रहा है। पहले हम दास थे, तो राजाओं के और दासता के साथ, सामंतवादों के साथ, पूंजीवादियों में आज श्रम के साथ और मालिकों के साथ, ये जो संघर्ष है लगातार चल रहा है। तो ये जो वर्ग संघर्ष है वो सदैव विद्यमान रहा, और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के मूल में वर्ग संघर्ष ही है। मार्क्स ने कहा कि मनुष्य का ज्ञात इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मार्क्स का यह भी मानना था कि जिस वर्ग का समाज राजसत्ता पर नियंत्रण होता है, नियंत्रित होता है, वह उस पर वैचारिक नियंत्रण भी रखता है, यानी जो पूंजीपति वर्ग है, सामंत है, वो आपको आपकी राजसत्ता पर भी नियंत्रित करेगा और आपकी वैचारिकी पर भी नियंत्रण करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात
मार्क्स कह रहे थे, जिसका बहुत बड़ा असर हमारी कविता पर पड़ा और हमने एक हमारा पूरा प्रगतिशील साहित्य का जो ढांचा था, चिंतन था, वो पूरा मार्क्स और एंगेल्स के विचारों से बहुत कुछ प्रभावित था। और हमारे यहाँ स्वयं भी जो बहुत सारे लेखक थे, बहुत सारे कलाकार थे, उनके माध्यम से इस पूरे आंदोलन को एक बल मिला। मार्क्सवाद सिर्फ सामाजिक रूपांतरण का ही दर्शन नहीं है, उसने साहित्य और कला के चिंतन को भी गहरे रूप में प्रभावित किया। मार्क्स और एंगेल्स को इतना, ये बहुत कम समय रहे, बहुत अवसर नहीं था कि वो साहित्य कला पर कुछ लिखते, लेकिन कहीं कहीं उनकी कुछ पत्र और टिप्पणियां मिलती हैं। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की आधारशिला निर्मित करने में जिन जिनकी बड़ी मदद मिली। बाद में इसी के आधार पर आपने सुना होगा लेनिन, माओ, जॉर्ज लुकाच, ग्राम्सी, प्लेखानो, ब्रेक्ट और गोर्की आदि ने अपने साहित्यिक और कला संबंधी दर्शन और विचार प्रस्तुत किए, जो मूल रूप से मार्क्स और एंगेल्स के विचारों पर आधारित थे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमारा जो प्रगतिशील साहित्य है, या विश्व का जो प्रगतिशील साहित्य है, वो उस समय मार्क्स और एंगेल्स के विचारों पर बहुत कुछ प्रभावित था, और इस रूप में हमें अपना साहित्य भी दिखाई देता है। इस समय प्रगतिशील साहित्य में बहुत लेखक थे, लेकिन जो प्रमुख प्रगतिशील प्रगतिवादी लेखक कहे गए, उनमें नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल का नाम हम लोग प्रमुखता से लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लेखक हुए, आप मुक्तिबोध का नाम जानते हैं, जो बहुत बड़े प्रगतिशील मार्क्सवादी लेखक थे। तो इन सारे लेखकों ने किस रूप में प्रगतिवादी और प्रगतिशील साहित्य की को विकास किया, विकसित किया, इसके दायरे को विकसित किया, ये हम आगे देखेंगे। मित्रों, जब साहित्य की वैचारिकी बदलती है तो उसका रूप भी बदलता है। अभी तक हमारा रूप क्या था? छायावाद में संश्लिष्ट कविताएं लिखी जा रही थी, खूब तत्सम प्रधानता आ रही थी। फिर धीरे धीरे हम बढ़े, फिर तो ये जो जनवादी साहित्य या प्रगतिशील साहित्य या प्रगतिवादी साहित्य था, या जनता का साहित्य था, तो इस जनता के साहित्य ने, एक बात तो हुई कि यहाँ जनता की भाषा को भी इस्तेमाल, जनता की भाषा का इस्तेमाल होने लगा। ऐसी भाषा में कविताएं लिखी जाने लगी जो लोगों को समझ में आती थी। बाबा नागार्जुन लिखते हैं कि जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। या इससे सामान्य भाषा आप देख सकते हैं कि ये इसमें ज़्यादातर ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ जो जनता की समझ वाला साहित्य था, जनता के समझे जाने वाली भाषा का साहित्य था। और इसीलिए इस ज़माने के कवि जो हुए हैं, उनकी कविताएं जनता में बहुत गाई जाती रहीं, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव था। अनेक कवि ऐसे हुए हैं जिनकी कविताएं और पंक्तियां गाते गाते अनेक आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो जाते थे, लोग फांसी पर चढ़ जाते थे। तो इस तरह की स्थितियां बनी। प्रगतिशील आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी, उसका जो अपना देश का माहौल था, वो तो आप समझ ही गए, औपनिवेशिक दास्ता, ब्रिटिशों का दबाव लगातार बढ़ ही रहा था, बढ़ भी रहा था। दूसरी ओर अब उनको ये समझ में आ गया था कि अब हमें शायद छोड़ना पड़े, इसलिए उनके जुल्म और सितम भी बढ़ गए थे, इसलिए हमारी छटपटाहट और भी बढ़ गई थी। लेकिन वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर, रूस की क्रांति के बाद जो बहुत बड़ा संघर्ष हमें देखने को विश्व युद्ध के रूप में मिला, खासतौर से दूसरे विश्व युद्ध की जो विभीषिका हुई, उसका बहुत बड़ा असर हमारे प्रगतिशील साहित्य पर पड़ा। लगातार एक ओर इटली, जर्मनी और जापान ये नाजीवादी, फांसीवादी शक्तियों के अधीन काम कर रहे थे। आपने देखा होगा कि हिटलर का नाम सुना होगा, जर्मनी का हिटलर पूरे अमेरिका और पूर्वी यूरोप के देशों में अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए संपूर्ण विश्व को विश्व युद्ध में झोंकने की झोंक ही दिया था। और अमेरिका ने भी नागासाकी और हिरोशिमा में बम, परमाणु बम का प्रहार किया, और उसके माध्यम से बहुत बड़ा
नरसंहार हुआ, जिसका असर आप देख सकते हैं। अंधा युग नाटक है अपने यहाँ, आप पढ़िएगा। उस पूरे जो महाभारत की व्यथा कथा है युद्ध की, उसकी विभीषिका के लक्षण आपको वहाँ दिख जाएंगे। बहरहाल, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों के मध्य जो टकराहट थी, और एक ओर रूस का जो समाजवादी चेहरा था, उस इन सब स्थितियों ने एक ओर इटली जर्मनी जापान की फासिस्ट ताकतें, दूसरी ओर ब्रिटेन फ्रांस और अमेरिका की साम्राज्यवादी ताकतें, इन दोनों के संघर्ष ने दूसरे महायुद्ध का सूत्रपात कर दिया। फांसीवाद का उदय, हम कहते हैं कि यह विश्व के लिए सबसे महान खतरा था। इटली में मुसोलिनी का नाम सुना होगा, जर्मनी में हिटलर था। इन्होंने सत्ता पर कब्जा करने के लिए पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया, और आप देखेंगे कि उसका बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा खामियाजा संपूर्ण विश्व को भुगतना पड़ा, और बहुत गहरे घाव हमें हमारे साहित्य में भी देखने को मिलते हैं। 1941 में सोवियत रूस पर भी हिटलर ने हमला बोला, और यह युद्ध मुगल साम्राज्यवाद और फांसीवाद के बीच था, लेकिन सोवियत संघ पर हमले के बाद यह फांसीवादी और जनवाद के बीच युद्ध में बदल गया, क्योंकि जनवादी थे रूस के लोग और फांसीवादी हिटलर के मध्य युद्ध था। इसका बहुत बड़ा असर हुआ, इसने पूरे विश्व को दो ध्रुवों पर बांट दिया, एक तरफ अमेरिका और ये साम्राज्यवादी देश थे। कुल मिलाकर आप ये देखें कि यह पूरा जो वातावरण था, वो देश में भी हमारे यहाँ उथल पुथल और युद्ध का वातावरण था, और विश्व में तो था ही। विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध में शर्त भी रखी कि भारत, अब ब्रिटेन ने क्या किया कि बिना भारत से पूछे कह दिया कि ये हमारे साथ है और युद्ध में भाग लेंगे, तो उन्होंने बिना हमसे पूछे ही अपनी हमारी भूमिका तय कर दी और हमको युद्ध में झोंक दिया। खैर, युद्ध शीतकालीन माहौल बहुत दिन तक युद्ध का बना रहा, और बाद में सुलह हुई और 47 में हमें आज़ादी मिली। इसने लेखकों और बुद्धिजीवियों की उस एकता पर भी असर डाला जो फांसीवाद के विरुद्ध संघर्ष के दौरान निर्मित हुई थी, जो एकजुटता आई थी वो धीरे धीरे वो हो गई। राष्ट्र में भी बहुत सारी उथल पुथल हुई। आपने देखा कि 30 के दशक में कांग्रेस के सुधारवादी नेतृत्व में कुछ वामपंथियों सोशलिस्ट मंच की स्थापना जिन्होंने की। 25 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 35 में हमने बताया कि प्रगतिशील लेखक संघ, और 36 में उसका अधिवेशन हुआ। इन सब का बहुत ज़्यादा असर हमारे साहित्य पर था, और यह पूरा साहित्य जनता का साहित्य था, जनता की पीड़ा थी। आप बाबा नागार्जुन का साहित्य पढ़ें, त्रिलोचन का साहित्य पढ़ें, केदारनाथ अग्रवाल का साहित्य पढ़ें, भक्तिबोध का साहित्य पढ़ें, या इस तरह अनेक। अच्छा, ये दौर ऐसा था जो बहुत ज़्यादा राजनीतिक राजनीति से भी प्रेरित था। इस समय रवीन्द्रनाथ टैगोर का तो खैर प्रभाव था ही, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण वगैरह का भी बहुत बड़ा आप देखेंगे कि असर रहा है। प्रगतिवादी आंदोलन का विस्तार उस समय काफी फैला। जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना हुई बंबई में 1943 में, और बहुत सारे नाटक खेले गए इस पराधीनता के संबंध में, जो कि बाद में बहुत सारे नाटकों पर ब्रिटिशों ने बैन लगा दिया था। तो ये सब हमें देखने को मिला। प्रलेस हो, इप्टा हो, जन नाट्य संघ, इन सब ने एक बड़ी पत्रकारों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई इस पूरे युद्ध में, और इसी समय प्रगतिशील साहित्य का बहुत बड़ा विकास होता है, और फिर आगे चलकर यह एक बहुत बड़ा बहुत प्रभावकारी साहित्य के रूप में हमें दिखाई देता है। प्रगतिशील साहित्य धारा ने एक और जिस एक और क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया था, वह आलोचना का भी क्षेत्र था। हमारी साहित्य भी बदल रही थी, हमारी मध्यवर्गीय कुंठाओं से भी हम पार पाने की कोशिश कर रहे थे, और हमारा सौंदर्य शास्त्र और आलोचना भी हमारी बदल रही थी। यानी हम
हमारी आलोचना के केंद्र में अब क्या था? समाज था, समाज दर्शन था। अब हम उससे निकलकर आगे आ रहे थे, जो बात हम छायावाद में सौष्ठववादी आलोचना के संदर्भ में देख रहे थे, अब हम हिंदी आलोचना के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों को विकसित करने में हमारा ध्यान था, जिसमें आप सुदान सिंह चौहान हो, रामविलास शर्मा हो, नामवर सिंह हो, प्रकाश चंद्र गुप्त हो, मुक्तिबोध हो, इनका बड़ा योगदान आपको दिखाई दे सकता है। प्रगतिशील काव्य जो परंपरा थी, अब हमने कहा कि ये इस समय की विषय वस्तु क्या थी। इस समय की दो विषय वस्तु, एक तो विषय वस्तु आज़ादी की लड़ाई, यानी हम एकजुट होकर आज़ादी प्राप्त करें, इसके नारे थे, इनकी कविता थी। दूसरी ओर देश में भी बहुत बड़े पूंजीपतियों का उदय हुआ, विश्व में हुआ, देश में भी हुआ, और एक और सर्वहारा वर्ग का विकास भी हुआ। सर्वहारा वर्ग बहुत बड़ा था, तो सर्वहारा वर्ग और पूंजीपतियों के मध्य जो टकराहट की बात थी, जो अंतर जो पहली बार देखा गया, शोषण और शोषितों के मध्य जो अंतर खोजा गया, पहली बार इसी साहित्य में खोजा गया। यह बात और है कि जिसके लक्षण हमें छायावादी और उत्तर छायावादी कविता में हमें देखने को मिल जाते हैं। आप निराला को देखिए कि वो भिखारी कविता लिखते हैं, वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ में आता। तो एक बार वो साबित कर देते हैं कि जो भिखारी है, हमारी ही समाज, हमारी ही अपनी एक सामाजिक विसंगति का परिणाम है, वो हमें देखने को मिल गया था। अब यह कविता राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति तो इसमें दिखाई देती है। आप सुभद्रा कुमारी चौहान को देखें, माखनलाल चतुर्वेदी भी इस समय लिख रहे थे, दिनकर भी लिख रहे थे, नागार्जुन भी लिख रहे थे, राहुल सांकृत्यायन भी थे, यशपाल थे, शिव वर्मा थे, हंसराज रहबर आदि साहित्यकारों ने राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलन में सक्रिय रूप से ये लोग शामिल भी थे और साहित्य भी लिख रहे थे। कवियों ने यह सवाल भी उठाया कि आज़ादी के बाद कुछ भी बदला है। नागार्जुन ने लिखा है कि पुलिस और पलटन के हाथी कितना चारा खाते हैं, वही रंग है, वही ढंग है, फर्क नहीं कुछ पाते हैं। देशभक्त की सनद मिल रही आए दिन शैतानों को, डांट डपट उपदेश मिल रहे दुखी मजदूर किसानों को। तो यह जिसकी ओर हम इशारा कर रहे थे कि आज़ादी के बाद की क्या स्थिति होने वाली है, उसकी आज़ादी के बाद की जो निराशाजनक तस्वीर थी, उसको प्रगतिशील रचनाकारों ने अपनी राष्ट्रीय सरकार की आलोचना करने के समय उन्होंने किया है। वामपंथी विचारधारा का प्रभाव, राजनीति का भी प्रभाव इस साहित्य में हमें देखने को मिलता है। आपने देखा होगा, शमशेर ने लिखा, वाम 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 दिशा, भारत का भूत वर्तमान और भविष्य का वितान लिए, काल मान विज्ञ मार्क्स मान में तुला हुआ, वाम 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 दिशा समय साम्यवादी। यह बड़ी महत्वपूर्ण कविता थी जो उस पूरे साम्यवादी विचारों को कविता में और राजनीति में उसके प्रभाव को व्यंजित कर रही थी। शोषित उत्पीड़ित जनता से जो जुड़ाव की बात हमने की, वो आपको मुक्तिबोध के चकमक की चिनगारी में भी देखने को मिल जाता है। बशर्ते तय करो किशोर हो तुम, अब सुनहले उर्ध्व आसन के दबाते पक्ष में, अथवा कहीं उससे लुटी 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 टूटी अंधेरी निम्न कक्षा में तुम्हारा मन कहाँ हो तुम। तो यह एक आवाहन था, एक तरह का एक प्रश्न था लेखकों के लिए कि बशर्ते तय करो किशोर हो तुम यह तय करो कि तुम किस ओर हो, यह कहने का साहस ये कहते हैं अपने मुक्तिबोध कर सकते हैं। ललन राय ने प्रगतिशील कविता के बारे में लिखा कि वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था, राजनैतिक नेतृत्व का छल छद्म, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, शासन तंत्र, अर्थनीति, धर्म नीति, किसी भी प्रकार का न्याय, अत्याचार, पाखंड आदि जो शोषित पीड़ित जनता के हितों के विरुद्ध पड़ता है, नागार्जुन उस पर करारा प्रहार नागार्जुन ने किया है, जैसा आपने नागार्जुन के बारे में देखा ही। अब प्रगतिशील कविता ने में एक सबसे बड़े हस्ताक्षर थे, मैंने कहा केदारनाथ अग्रवाल, वो उनकी कविता में खास तौर से ग्राम में जीवन के प्रति लगाव
और ग्राम्य जीवन के का जो श्रम था, उस श्रम का सौंदर्य भी वहां देखने को मिलता है। धूप चमकती है, चांदी की साड़ी पहने मैके में आई बेटी की तरह मगन है। फूली सरसों की छाती से लिपट गई है, जैसे दो हमजोली सखियां गले मिली हैं। भैया की बाहों से छूटी भौजाई सी लहंगे की लहराती लचली हवा चली है। बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, आपने सुना होगा कविता, यह एक ग्राम्य सौंदर्य बोध की कविता थी। आपने एक और कविता राणा अग्रवाल की सुनी होगी, एक चने के पेड़ को कहा कि वह मुरैठा बांधे, चना को कहा कि वह मुरैठा बांधे खड़ा है। तो एक शान उसमें, उस पूरे ग्राम में यथार्थ के जो सौंदर्य में देखने की बात कवि कविता में कवि ने की है, वो आप हमें उसकी पूरी सौंदर्यानुभूति को आप केदारनाथ अग्रवाल के माध्यम से देख सकते हैं। शोषक सत्ता का विरोध इस पूरी प्रगतिशील कविता का मुख्य विषय वस्तु था, मुख्य तथ्य था। आप देखते हैं कि तेरे हास में भी रोग कृमि है उग्र, तेरा नाश तुझ पर क्रुद्ध, तुझ पर व्यग्र, मेरी ज्वाल जन की ज्वाल होकर एक, अपनी उष्णता से धो चले, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस एक तेरा अर्थ। इस प्रकार की कविताओं में आप देखिए कि वो पूरे तरह से पूंजीवादी सत्ता का विरोध और पूरी क्रांति आपको देखने को मिल जाती है। सामाजिक परिवर्तन पर बहुत ज्यादा बल है उस समय कविता में, हर तरफ से समाज में कुछ बदलाव होना चाहिए। प्रगतिशील कविता के बारे में आमतौर पर यह धारणा है कि वह राजनैतिक कविता है जिसका काम प्रचार करना है, किंतु सच्चाई यह है कि प्रगतिवाद जीवन के व्यापक और विराट सत्य को अभिव्यक्त करता है। यानी जीवन के जितने पहलू हो सकते हैं, उन सब पहलुओं, उन सब पूरे विराट सत्य को उजागर करने वाली यह कविता थी। जीवन और जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रगतिशील कविता के बाहर है। मुख्य बात यह है कि यह कविता अपने पूरे चश्मे में उस पूरे समाज को देखती है, जहाँ शोषक भी है, शोषित भी है, श्रम भी है, वर्ग संघर्ष भी है। अब उसी लिए पूछती है, कविता पूछती चलती है कि तय करो तुम किस ओर हो, तुम पूंजीपतियों के साथ में हो या सर्वहारा वर्ग या जनता के साथ में। तो मैंने एक बात और कही कि हर विचार की कविता का अपना शिल्प होता है, उसी तरह प्रगतिशील कविता का भी अपना शिल्प है। भाषा के स्तर पर यह कविता ज्यादा जनवादी, जनता से जुड़ी हुई कविता है। नामवर सिंह ने कहा कि प्रगतिशील कविता के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उसमें कला पक्ष की अवहेलना है। यदि इसका अर्थ यह है कि प्रगतिशील कवि प्रयोगवादियों की तरह कला पक्ष पर बहुत जोर नहीं देते, तो यह ठीक है। बहुत सजाव, श्रृंगार और पेचीदगी प्रगतिशील कविता में नहीं मिलती। अपनी बात को कितना सुलझा कर, उसे कितने सहज ढंग से कह दिया जाए, यही प्रगतिशील कवि का प्रयत्न रहता है। उसके भावों की तरह भाषा भी गांठ रहित होती है। प्रगतिशील कवि अपना हर शब्द और हर वाक्य चमत्कार पूर्ण बनाने की चेष्टा नहीं करता। तो हम इस बात से हमें देखने को मिलता है कि वो चाहे नागार्जुन हो, केदार हो, त्रिलोचन हो, प्रगतिशील कविता ने हिंदी कविता की भाषा को तत्सम शब्दावली के अभिजात कुहासे से निकालकर आम बोलचाल के नजदीक ला दिया। शैली बड़ी सहज संप्रेषणीय रखी, जिससे सामान्य आदमी भी उसे समझ पाए। त्रिलोचन के यहाँ जनपदीयता, जनपद का कवि हूँ मैं त्रिलोचन कहते हैं, वह हमें देखने को मिल जाती है। या कह लें लोक भाषाओं की सोंधी सुगंध हमें त्रिलोचन की कविता में ही नहीं, नागार्जुन में भी और केदारनाथ अग्रवाल में भी हमें दिखाई दे जाती है। तो लोचन कहते हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। तो जो गांव जनपदीय जो सौंदर्य बोध था, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, उस माध्यम से उस पूरे सौंदर्य को आप देख सकते हैं। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि प्रगतिशील आंदोलन का रूप 20वीं सदी के तीसरे दशक में इसने रूपाकार लिया,
जब दुनिया में फांसीवाद के उदय के कारण विश्व युद्ध का आसन्न संकट उपस्थित हो गया था, हमारे यहाँ आजादी का आंदोलन मध्यवर्ग की सीमाओं से पार जाकर जनता का आंदोलन बन गया था। किसानों और मजदूरों की भागीदारी ने आंदोलन के चरित्र को बदल डाला था और देश में वामपंथी ताकतें उभरने लगी थी। इस रूप में हम उस समय के साहित्य को देखने और समझने का प्रयास करें। प्रगतिशील कविता की कुछ प्रवृत्तियां हमने बताई कि यह एक राष्ट्रवादी भावना की अभिव्यक्ति भी है, वामपंथी विचारधारा की भी अभिव्यक्ति है, वामपंथी राजनैतिक चिंतन भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। शोषित और उत्पीड़ित जनता का जो संघर्ष है और उस जनता से जुड़ाव और जो श्रम का सौंदर्य शास्त्र है वह आपको इस कविता में दिखेगा। ग्राम में जीवन के प्रति लगाव आपको दिखेगा, शोषक सत्ता का विरोध दिखेगा, सामाजिक परिवर्तन पर बल जिसमें नारी और दलित शोषण और उत्पीड़न का विरोध भी शामिल है, वह सब कुछ हमें इस कविता में दिखाई देता है। भाषा और शिल्प की दृष्टि से मैंने बात की कि भाषा सहज और सरल रही और शिल्प में और शिल्प और शैली में ऐसी बात कहने का तरीका था कि वह लोगों की जबान पर चढ़ा और नारे बन गए। इसका मतलब था कि इस दौर की जो कविता थी वो बहुत व्यापक प्रभाव की कविता कही जा सकती है। इस रूप में प्रगतिशील कविता, प्रगतवादी कविता बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। मित्रों, आज इतना ही, अब कुछ समय बचा है। आप लोगों की कुछ जिज्ञासाएं हों तो स्वागत है, बताइए अभिषेक जी। जी जी सर, बिल्कुल सर, प्रश्न तो बहुत आए हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि विद्यार्थी तो प्रश्न इतने मात्रा में आया है। अच्छा लगता है कि विद्यार्थी पढ़ते हैं या व्याख्यान सुनकर जब प्रश्न करते हैं तो मॉडरेट करने में मुझे भी आनंद आता है और मुझे कहता हूँ कि आपको भी सर आनंद है, क्योंकि नहीं एक नहीं तरफा जब, बिल्कुल, हाँ, क्लास जब होता है ना, एक तरफा जब क्लास हुआ तो खुद को भी एक चीज थोड़ा सा बोर टाइप का लगता है या खुद को समझ में नहीं आता कि बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात या ना समझ रहे हैं। तो टू वे लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो सबसे बेहतर रहता है, मुझे बहुत आनंद आता है। तो मैं सर शुरू करता हूँ विद्यार्थियों को जो प्रश्न है। तो पहले एक विद्यार्थी श्वेता जी, वो पूछती है कि नाजीवाद के बारे में थोड़ा सा वो समझना चाहती है। नाजीवाद जो फांसीवादी विचारधारा है उसको नाजीवाद भी कहा जाता है। हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। नाजीवादी या फांसीवादी जो चिंता जो वैचारिकी थी उसमें ये था कि एक ही वर्ण, एक ही प्रकार के रंग के लोग रूल करेंगे, राज्य करेंगे, और जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको जबरन इस देश से निकाल दिया जाएगा या उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा। इस संबंध में आपने देखा होगा कि हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों का कत्ल करवा दिया था, लाखों लाख यहूदियों का खून करवाया था। तो यह फांसीवादी और नाजी, उसी को नाजीवाद भी कहा जाता है। उनका मतलब ये था कि अपनी अपनी वैचारिकी वाला कोई व्यक्ति है तो वह जीवित रहेगा, वही हमारे साथ है, और जो हमारे रंग का नहीं है, जो हमारे कुल खानदान का नहीं है, जिसको हम अपनी भारतीय संबंधों में संदर्भों में समझें, जो हमारी वर्ग जातीयता में नहीं है, उसको कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिलने चाहिए, और वह एक तरह से अन्य अंत्योदय वर्ग के रूप में रहे और जिस पर किसी प्रकार का शोषण किया जा सके। तो यह नाजीवादी ताकतें थी और नाजीवाद कहा गया उसी को जो कि लगातार शोषण और लगातार फांसी दी जा रही थी, लगातार एक तरह से हिटलर का जो पूरा अमानवीय कृत्य जो कर रहा था उस पूरे परिदृश्य को हमने दो नाम दिए, फांसीवाद भी हम कहते हैं, उसी को हम नाजीवाद भी कहते हैं। ऐतिहासिक विषय वस्तु है, बड़ी बात है इसमें, इसमें गंभीरता, इसका नाजीवाद और फांसीवाद के बहुत सारे ऐतिहासिक पहलू भी हैं, उनको भी आपको समझना चाहिए। किस रूप में यहूदियों से उसकी लड़ाई थी, किस तरह से उसके जर्मनी में उसका उदय होता है, किस तरह से वो अपने को वर्ग संघर्षी मानता है और यहूदियों का खून करवाता है, तो यह एक पूरे ऐतिहासिक विषय वस्तु है। लेकिन इसका साहित्य में असर था, इसका पूरी राजनीति में असर था, इस रूप में हमें उसको देखना चाहिए।
इस पे ज्यादा समझना है तो ऐतिहासिक रूप से आपको नाजीवाद और फांसीवाद और जर्मनी का इतिहास आप पढ़िए। जी सर, धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए सर और प्रश्न लेते हैं। एक हैं असित जी, जो हमारे समय हमेशा नियमित रहे हैं विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास में, तो उनका एक प्रश्न है कि दिनकर जी को हम लोग राष्ट्रीय कवि के रूप में क्यों जानते हैं, मतलब राष्ट्रीय कवि के रूप में उनकी पहचान क्यों पड़ी दिनकर जी की। देखो क्या है कि छायावाद के दौर में ही दिनकर जी की उपस्थिति होती है, लेकिन दिनकर जी की खास बात ये थी कि दिनकर की कविताएं ओज की कविताएं हैं। ओज की कविताएं यानी वीर रस की कविताएं हैं। तो वीर रस तो तभी आता है जब आप युद्ध करें। तो उनकी कविता उस समय युद्ध किससे था? हमारा युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ था, तो इसलिए राष्ट्रवादी सांस्कृतिक चेतना के कवि कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी कविताएं हो, चाहे उर्वशी हो या आप रश्मिरथी से लेकर पूरी कविताएं उनकी देख जाइए, उन सब कविताओं में एक आवाहन हुआ था। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। तो ये इसका असर बहुत दिनकर पर पड़ा, और दिनकर ने यह भी बताने की कोशिश की है कि हमारे पास अब हृदय और मस्तिष्क के बल पर युद्ध अगर हम करेंगे तो हम नहीं जीतेंगे, हमें रक्त बहाना होगा, हमें युद्ध में रक्त बहाना होगा। और सुभाष बाबू कह रहे थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उस बात से प्रभावित थे, इसलिए इनकी सभी कविताएं ओज वाली कविताएं हैं, वीरता वाली कविताएं हैं, राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक भावबोध की कविताएं हैं, इसलिए इनको हम राष्ट्र प्रेमी राष्ट्रवादी कवि कहते हैं। जी सर, निश्चित रूप से। तभी 1962 में जब चीन के साथ हमारी लड़ाई होती हाँ, है, हम हारते हैं, तो राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से वो चुने हुए राज्यसभा के सांसद थे और कांग्रेस के मेंबर खिलाफ हुई कांग्रेस थी। के ही थे, और वहीं उन्होंने नेहरू का विरोध किया और कहा कि ये अगर हम ऐसा करेंगे तो हम शेरों की सी गरिमा वाले हैं और हम गीदड़ बन जाएंगे। बहुत बड़ा प्रहार किया था उस समय उन्होंने। जी सर, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं सर। एक विद्यार्थी ज्योति मोहंती जी ने एक प्रश्न लिखा है, मैं थोड़ा सा उनके प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर हो तो दोबारा अपने प्रश्न लिखे। वो पूछती हैं कि रामबिलास शर्मा और प्रगतिशील आंदोलन से क्या अभिप्राय है। किससे? रामबिलास शर्मा और प्रगतिशील आंदोलन का क्या अभिप्राय है, तो मैं रामविलास शर्मा और प्रगतिशील आंदोलन? जी उन दोनों हाँ को देखिए, सब जरा हाँ अपने हम समझ गए समझ गए, जी। दो अलग अलग बातें हैं। प्रगतिशील आंदोलन हम 1 मिनट बता देते हैं, फिर रामविलास जी पर आते हैं। प्रगतिशील आंदोलन जो है, हमने कहा कि यह प्रगतिवादी आंदोलन भी कहा गया, जो मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित था, यानी पूंजीवाद के खिलाफ एक आंदोलन था, शोषितों और समाजवादी आंदोलन था, जो राष्ट्र में हमारे ऊपर जो सामंतवादी या औपनिवेशिक शक्तियां थी उनके खिलाफ एक आंदोलन था, शोषितों में शक्ति और श्रम में शक्ति देखने का आंदोलन था, और वैश्विक परिदृश्य में जो फांसीवाद और पूंजीवाद का दबदबा था उसके खिलाफ और एक औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ हमारा जो आंदोलन था, वह साहित्यिक रूप से जो आंदोलन था उसे हमने प्रगतिशील आंदोलन कहा। अब प्रगतिशील कविता का यह आंदोलन था, यानी कविताएं कैसी लिखी जानी चाहिए, शोषितों में शक्ति देखनी चाहिए, बुर्जुआजियों का विरोध करना चाहिए, सर्वहारा में शक्ति देखनी चाहिए, इस तरह की बात थी। दूसरी ओर कविता तो तय कर दी गई कैसी होनी चाहिए, दूसरी ओर कुछ आलोचक ऐसे हुए जिन्होंने यह तय किया कि वो प्रगतिशील आलोचक माने गए, मार्क्सवादी आलोचक भी कहा जाता है उनको। उन मार्क्सवादी आलोचकों में सबसे पहला प्रमुख नाम है रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह का, सुदान सिंह चौहान का। तो ये लोग ना ये तो प्र ये रामविलास शर्मा जी वो प्रगतिशील आलोचक कहे जाते हैं, यानी कविता कैसी हो, प्रगतिशील कविता कैसी हो, प्रगतिशील कविता की वकालत करने वाले लोग थे जिन्होंने ये बताया कि कविता में आत्मकथ्य से ज्यादा समाज के कल्याण की बात हो, बुर्जुआजी की जगह सर्वहारा वर्ग की बात हो, शोषितों में शक्ति हो, वंचितों के साथ खड़े होने का साहित्य हो, इसकी बात लेखक ने किया। तो एक और तो प्रगतिशील आंदोलन चल रहा था, वो एक आंदोलन की पृष्ठभूमि में है,
दूसरा ये आलोचकों की श्रेणी में रामविलास शर्मा आते हैं, जो कि बड़े महत्वपूर्ण प्रगतिशील और मार्क्सवादी आलोचक कहे जाते हैं। आगे बताइए। जी सर, निश्चित तौर पर आगे बढ़ते हुए सर, और कुछ प्रश्न? प्रश्न सर बहुत है, मैं समझ चाहूंगा आज आपको थोड़ा सा समय ज्यादा नहीं देना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ज्यादा देना पड़ेगा, आप बताते जाइए। जी सर, मैं लगातार प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूँ। अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर से क्या बोध है? एक विद्यार्थी का प्रश्न है कि छायावादोत्तर से क्या बोध हाँ, है? अच्छा, छायावादोत्तर शब्द जो है, छायावाद धन उत्तर से बना है। उत्तर मतलब होता है वाद का, और छायावाद के बारे में आपने समझा कि छायावाद जो है वो प्रसाद पंत, महादेवी वर्मा, निराला, ये लोग लिख रहे थे। छायावादी साहित्य था जिसमें कल्पना थी, रहस्य भावना थी और मय साहित्य था, वो छायावादी साहित्य था। लेकिन छायावाद के बाद जो साहित्य विकसित हुआ उसको छायावादोत्तर साहित्य कहा गया। उत्तर का मतलब होता है बाद का, पूर्व का मतलब होता है पहले। छायावाद पूर्व साहित्य कौन सा था हमारा? हमारा द्विवेदी युगीन साहित्य या आधुनिक काल का जो शुरुआती साहित्य था वो छायावाद पूर्व साहित्य था। छायावादी साहित्य और छायावादोत्तर साहित्य, छायावाद के बाद जो साहित्य विकसित हुआ वो छायावाद के उत्तर का साहित्य कहलाया। उसमें दो धाराएं प्रमुख थीं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा और प्रेम और मस्ती की काव्य धारा। वो इस छायावाद का विकास ही था, छायावाद के बाद के का जो विकास इस कविता में हमें देखने को मिलता है, उस कविता को हमने एक अलग नाम दिया, छायावादोत्तर कविता, छायावाद के बाद की कविता। जी सर, और एक प्रश्न जो मुझे, जितने प्रश्न आए हैं उसमें से एक प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा, वो प्रश्न मैं पहले आपके समक्ष रखता हूँ। एक विद्यार्थी पूछते हैं सर, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की सामाजिक यथार्थ और प्रगतिवाद की सामाजिक यथार्थ में क्या अंतर है? हाँ, बढ़िया सवाल है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का सामाजिक यथार्थ और प्रगतिवाद और की सामाजिक, समाजवाद, प्रगतिवाद के सामाजिक यथार्थ में क्या फर्क है? जी सर। इन दोनों में कोई विशेष खास, सामाजिक यथार्थ जो सोशल रियलिटी थी उसमें कोई फर्क नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के समय भी जो समाज था वह भी औपनिवेशिक दासता में जकड़ा हुआ समाज था, और प्रगतिवादी साहित्य का भी जो समाज था वो भी औपनिवेशिक दासता में जकड़ा हुआ समाज था। लेकिन थोड़ी सी चिंताओं में फर्क था। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जो काव्य धारा थी वो राष्ट्र तक सीमित थी, ठीक है, ध्यान रखिए। वो हमें, चूंकि हम खुद पराधीन थे, हमें खुद स्वाधीन होना था, तो हम अपने अंदर सांस्कृतिक गौरव उत्पन्न करके और राष्ट्रवादी होकर अपने खून के बल पर हम आज़ादी पा सकते थे। इस बात को जो रेखांकित जिसने किया वो राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य धारा के लोग कहलाए, उस रियलिटी से प्रभावित थे। लेकिन वही सेम रियलिटी उस समाज की भी थी, लेकिन वह रियलिटी वैश्विक रियलिटी थी। प्रगतिवादी समय और समाज जो है वह अपनी चिंता के साथ विश्व चिंता से भी भरा हुआ था। उसको नाजीवाद से भी प्रॉब्लम थी, उसको हिटलर की तानाशाही से भी समस्या थी, अमेरिका के पूंजीवाद से भी समस्या थी। तो लेकिन राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य धारा के लोग जो थे, उस कविता की चिंता जो थी वो सिर्फ राष्ट्र मुक्ति की चिंता थी। लेकिन प्रगतिवादी काव्य की जो चिंता थी, रियलिटी दोनों में सेम है, लेकिन उस जो प्रगतिशील कविता की रियलिटी थी उसकी भावभूमि वैश्विक थी, वो पूरे विश्व मानवता पर काम कर रहे थे, विश्व मानवीय चिंता से भरे हुए थे। वो खुद तो आजाद होना चाहते ही थे, औपनिवेशिक दासता से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन वो यह भी चाहते थे कि जो फांसीवादी काम कर रहा है, नाजीवादी ताकतें वो बाहर ले रही हैं, वो भी ना हो। इसीलिए हम अंदर से अंदर अंदर रूस के साथ थे, रूस को हमने अपना नेता माना। तो रूस को अपना नेता माना और हम साम्यवादी चिंता से, सोच से आगे बढ़ने लगे, हमारी चिंता वैश्विक हो गई। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में हमारी चिंता राष्ट्र तक केंद्रित थी, हम स्वयं मुक्तिकामी थे, हम स्वयं में मुक्ति चाहते थे, आत्मगौरव से भरना चाहते थे, तभी हम मुक्ति। लेकिन रियलिटी के संबंध में
हम भी शोषित थे। प्रगतिशील साहित्य का भी समय था शोषण का, और राष्ट्रवादी सांस्कृतिक समय भी शोषण का था। दोनों समय हमारे ऊपर औपनिवेशिक सत्ता काबिज रही, दोनों समय हम पूंजीवाद से ग्रसित रहे। लेकिन फर्क थोड़ा ये था, फर्क सिर्फ ये था कि एक्ट का था। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य धारा की कवियों ने जो एक्ट किया, काम किया, वो देश को ध्यान में रख के किया, राष्ट्र को ध्यान में रख के किया। प्रगतिशील कवियों ने जो काम किया वो देश के साथ साथ विश्व मानवता, विश्व कल्याण के लिए सोच रहे थे, विश्व की चिंता से भरे हुए थे। लेकिन रियलिटी दोनों में सेम थी। हम दोनों स्थितियों में औपनिवेशिक दासता के अधीन थे, और हम निरंतर गरीब, शोषित, दलित और वही रहे जो दोनों काव्य लेखन के दौरान थे। जी सर, निश्चित तौर पर। एक प्रश्न और एक विद्यार्थी ने पूछा है कि हिंदी साहित्य में, या यूं कहें तो प्रगतिशील साहित्य में, वामपंथी विचारधारा से क्या अभिप्राय या क्या अर्थ है? हाँ, वामपंथी विचारधारा को हम मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं। यानी वामपंथ है तो दक्षिण पंथ भी होगा। तो पहले वाम और दक्षिण में थोड़ा फर्क समझ लें। वामपंथ कहा गया जिसको अंग्रेजी में लेफ्ट कहते हैं, और दक्षिण पंथ जिसको राइट पंथ कहते हैं। तो दक्षिण पंथ वह है जो राष्ट्र के साथ या राष्ट्र में जो सरकार काबिज है, जो राष्ट्र को चला रही सरकार है, सरकार की सोच रखने वाले लोग दक्षिणपंथी कहलाते हैं। सरकार के खिलाफ जो तबका रहता है, सरकार की जो आलोचना करने वाले लोग होते हैं, वो वामपंथी कहलाते हैं। कबीर वामपंथी थे। कबीर ने अपने समय के शासन तंत्र को नहीं माना, तो कबीर क्या थे? वामपंथी थे। तो वामपंथ जो है वो जो सत्ता है, खास तौर पे ध्यान रखें, सत्ता सत्ता का जो विरोध करने वाली जो कवियों की परंपरा है, साहित्यकारों की, वो वामपंथी परंपरा है। सत्ता के साथ जो चलने वाले लोग हैं, कवि हैं, वो दक्षिणपंथी परंपरा में है। फर्क किसमें पूछा गया है? वामपंथ और क्या बोला आपने? वामपंथ क्या है? मार्क्सवाद क्या? ऐसा कुछ सवाल नहीं, फिर वो से ये करें। जी, वो ये पूछ रहे थे कि हिंदी साहित्य या प्रगतिशील साहित्य में वामपंथ से क्या संदर्भ या क्या अर्थ है वामपंथ से। जी हाँ, तो हम समझ गए। हाँ, तो अब चूंकि प्रगतिशील साहित्य जब लिखा जा रहा था, तो हमारे ऊपर सत्ता किसकी थी? ब्रिटिश की थी। तो हम ब्रिटिश की के साथ तो जा नहीं सकते, तो हमने उसकी आलोचना की, और आलोचना के साथ साथ हमने विश्व भर की आलोचना की जो दक्षिणपंथी विचार रखते थे, यानी जो नाजीवाद के साथ में थे, जो फांसीवाद के साथ में थे, जो पूंजीवाद के साथ में थे, हमने उसका विरोध किया। तो प्रगतिशील साहित्य जो है उसको वामपंथी साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सत्ता का विरोध किया। वह सत्ता इस देश की भी थी और पूरे विश्व में जो सत्ता कायम थी उसकी भी थी। तो जो सत्ता के विरोध में थे प्रगतिशीलता के समय भी, वो साहित्य लिखने वाले लोग वामपंथी कहलाए, वामपंथी कवि कहलाए। आगे जी सर, धन्यवाद सर। और एक प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे बहुत प्रिय कवि के लेकर के ने प्रश्न किया है, बाबा नागार्जुन के ऊपर प्रश्न है। तो नीना कुमारी दास जी को हैं, वो एक प्रश्न लिखती हैं कि नागार्जुन की कविता में राजनीतिक दृष्टिकोणों को हम किस प्रकार से देखते हैं? नागार्जुन, बाबा नागार्जुन का असर हिंदी कविता में प्रगतिशील कविता से लेकर और साठोत्तरी कविता तक है। यानी इनका असर बहुत लंबा है। अब इनकी राजनैतिक दृष्टि के बारे में हम बात करें, तो प्रगतिशील कविता या जो प्रगतिवादी कविता थी, उसके प्रमुख कवि थे नागार्जुन। यानी जब हमें जरूरत थी इस देश में आजादी से लड़ने के लिए, तो बाबा नागार्जुन क्या कर रहे थे? आजादी से लड़ने वाले गीत लिख रहे थे, औपनिवेशिक सत्ता से हमें आजाद कराने वाले गीत लिख रहे थे। लेकिन ध्यान रहे, इस देश में वही कांग्रेस सरकार आती है और मिसेस गांधी जब यहाँ प्रधानमंत्री होती हैं, उनके खिलाफ भी बाबा नागार्जुन ने लिखा। तो बाबा नागार्जुन की जो राजनीतिक दृष्टि थी, वह सदैव समाजवादी दृष्टि थी। वह सदैव समाज के साथ थे, वह सदैव शोषित वर्ग के साथ थे।
वह पूंजीपति वर्ग के साथ, सामंत के साथ या सत्ता के साथ नहीं थे। सत्ता का हरदम विरोध किया बाबा ने। नेहरू के समय भी जितनी भी नेहरू की नीतियां थीं या जो भी इनको लगता था कि जहां आलोचना हो सकती है, सबसे ज्यादा बाबा ने आलोचना की मिसेस गांधी की। और उसी समय की ये कविता है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वही जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूप, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो यह जो भाव था भरने का जनता में, वो शासन के खिलाफ, जनता की शक्ति का, जो जनता में जो शक्ति भरने का काव्य का राजनीतिक सिद्धांत था, उसके साथ थे बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन कभी औपनिवेशिक दासता के खिलाफ थे, तो फिर बाद में जो सरकारें आई, सरकारी ऐसी नीतियों के खिलाफ भी थे जो जनता की पक्षधर नहीं थी। तो बाबा राजनैतिक रूप से बहुत साम्यवादी थे, बहुत समाजवादी थे, बाबा मार्क्सवादी थे, बाबा वामपंथी थे। तो बाबा की निगाह में, बाबा नागार्जुन की निगाह में, वह साहित्य भी दूषित था जो सरकार की गुणगान कर रहा था, वह साहित्य भी किसी काम का नहीं था जो जनता के पक्ष में न खड़ा हो। तो बाबा की राजनीतिक दृष्टि बहुत साफ रही। बाबा ने कभी बाबा पहले लड़ते रहे इस देश के लिए कि देश आजाद हो जाए। जब देश आजाद हो गया, देश पर कांग्रेस की सत्ता हो गई, तो फिर कांग्रेस की भी बाबा ने आलोचना की। ऐसा नहीं किया कि कांग्रेस मनपसंद सरकार आ गई थी तो उससे साथ चले, बाबा ने उसकी भी आलोचना की। तो बाबा की दृष्टि जो थी, राजनैतिक दृष्टि थी, वो साम्यवादी थी, समाजवादी थी। जहां जहां बाबा को लगा, अपने कविता के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, लगातार बाबा बोलते भी थे मंचों से। तो इस रूप में बाबा नागार्जुन की राजनैतिक दृष्टि बहुत साफ सुथरी और बहुत सक्षम थी। ठीक है, आगे। जी सर बिल्कुल सर, आपने जब जी सर आपने जब बाबा नागार्जुन की बात की, तो उनको बहुत सारी कविताएं रचनाएं जो हैं बहुत फेमस फेमस है। उन्होंने एक बार, जैसा आपने अभी कहा ना, अपने ऊपर अरे ही व्यंग हाँ करते हुए एक बार लिखा था कि था पीतल, जी, था पीतल था पतित मैं नीच मैं, रहा उनके बीच में दूर जाकर गिरा, उड़ा बेबस पतझर में, धस गया अंकन कीचड़ में, सड़ी लाशें मिली। तो अरे इंदिरा रे गांधी सर, पे भी तंग करते हुए लिखते हैं कि आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। हाँ वही 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 वही। तो जी सर, आगे। इंदु जी हाँ, जी सर, तो इस तरह के बहुत व्यंग किया उन्होंने। जी तो जी 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 उनके उनका था कि जो समाज के साथ है, जो श्रमिक के साथ में है, उसके साथ बाबा थे, वो सत्ता के साथ नहीं थे। सत्ता की खूब आलोचना की उन्होंने। जी जैसे निश्चित तौर पर। एक विद्यार्थी ने एक प्रश्न लिखा है, बहुत अच्छा सरल प्रश्न है। वो पूछते हैं कि छायावादी और उत्तर छायावादी में अगर हम एक मुख्य अंतर की बात करें, तो क्या मुख्य अंतर था छायावाद और उत्तर छायावाद में? दो दो अंतर थे उसमें। छायावादी कविता आत्मोच्छ्वास की कविता थी, यानी अपने अंदर की भावनाओं की कविता थी, और छायावादोत्तर कविता थी जो थी, वो धीरे धीरे समाज की कविता बन गई। धीरे धीरे वो जो आत्मोच्छ्वास था, व्यक्तिगत व्यक्ति का कविता थी, व्यक्ति के केंद्र से बाहर निकली और वह समाज की कविता बनी। धीरे धीरे यही फर्क आपको दो धाराओं में देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में भी और प्रेम और मस्ती की काव्य धारा में भी। प्रेम और मस्ती की काव्य धारा छायावाद से बहुत मिलती है, लेकिन दो धरातलों पर बहुत फर्क है उसमें। फर्क ये है कि वो बालिका मेरी मनोरम मित्र थी लिख रहे थे, लेकिन जो मस्ती और आलावादी कवि थे, वो लौकिक रूप से प्रेम की बात कर रहे थे, आंतरिक रूप से प्रेम की बात नहीं कर रहे थे। यहाँ क्या है कि कभी कुछ ऐसी तान सुना, कहीं उथल पुथल मच जाए। और वहां क्या था, छायावाद में क्या था कि कवि जो है वो अपने मन की ही बा मैं नीर भरी दुख की बदली, अपनी पीड़ा उजागर हो रही थी। लेकिन यहाँ जो है वो है कि सांस्कृतिक काव्य धारा में दिनकर लिख रहे हैं कि अब तुम्हें व्योम से, कल्पना के व्योम से उतरकर धरती पर आना होगा। तो ये छायावादोत्तर कवि इस रूप में अलग है कि एक तरफ व्यक्तिवादी, और हाँ, जो सबसे बड़ा फर्क था वो कल्पना का फर्क था।
कल्पना से उतरकर यथार्थ पर आई यह कविता पहली बार। छायावादी कविता अधिकांश कविता कल्पना की कविता है, और छायावादोत्तर कविता उस समय के सामाजिक यथार्थ की कविता है। धीरे धीरे उसमें यथार्थ आने लगता है। तो एक ओर यह कल्पना से यथार्थ की यात्रा है, और दूसरी ओर यह व्यक्तिगत कविता से सामाजिक कविता की यात्रा है। ये दो फर्क आपको देखने को मिलेंगे। जी सर, धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं सर, और कुछ प्रश्न है। मैं बीच में सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, विद्यार्थियों के लिए ये सूचना दे रहा हूँ कि एक दो कुछ प्रश्न है जो विद्यार्थियों ने पूछे हैं, मैं आपके समक्ष नहीं रखा हूँ। इसका कारण यह है कि विद्यार्थियों के मन में आता है कि हमने प्रश्न लिखा, सर ने क्यों नहीं रखा। तो उसका मुख्य कारण है उनके कुछ प्रश्न जो थे सर, चूंकि डिस्टेंस मोड लर्निंग में असाइनमेंट का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि असाइनमेंट के बहाने ही विद्यार्थी कम से कम अपने किताबों को खोल कर देखे, तो उससे संदर्भ कुछ प्रश्न थे इसलिए मैंने उन्हें नहीं रखा, क्योंकि वो प्रश्न आपको खुद करने हैं। आप किताब खोलिए, पढ़िए, तो जो प्रश्न मैं ना उठाऊं आप लोग समझ जाइए उसका, उसके पीछे का कारण यही था कि ये जो इतने सरल प्रश्न है कि आप अगर किताब खोलते हैं 5 मिनट भी पढ़ते हैं तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं माफी चाहूंगा कि उन प्रश्नों को मैंने नहीं रखा है। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और प्रश्न लेते हैं विद्यार्थियों को जो है। एक प्रश्न है प्रीति जी करके पूछ रही है, वो लिखती है कि निराला जी की अधिकतर रचना छायावादी युग के अंतर्गत आती है, केवल कुकुरमुत्ता ही प्रयोगवाद के अंदर या प्रयोगवादी साहित्य के अंतर्गत आती है। इस तरह के जी कौन कौन से रचनाकार हैं जो प्रगतिवाद साहित्य से प्रभावित होकर छायावाद से प्रयोगवाद तक अपनी रचनाओं के द्वारा योगदान दिया? हाँ, देखिए, ये कुकुरमुत्ता प्रयोगवादी कविता नहीं है, कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी कविता है। प्रयोगवादी गलत टाइप हो गया है उनसे। जी 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 तो जी कुकुरमुत्ता कविता जो है पूंजीवाद के खिलाफ कविता है, और लिखते हैं कि अबे सुनबे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंग आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, दाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो वह कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी के खिलाफ सर्वहारा वर्ग की यह घोषणा थी। सर्वहारा कौन था? कुकुरमुत्ता था। वो जनता का आदमी था, वो कहीं भी उग सकता था, वो मजदूर हो सकता था। तो मजदूर और जो श्रमिक और जो पूंजीपति के बीच का जो द्वंद्व है, वह इस कविता का प्रमुख प्रतिपाद्य है। इसलिए कुकुरमुत्ता कविता प्रगतिशील कविता है। अब इन्होंने पूछा है कि निराला की तरह और कवि कौन से कवि हुए हैं जिन्होंने यह अतिक्रमण किया है। तो इनके निराला के अलावा महादेवी वर्मा में भी कुछ ऐसी कविताएं थीं जो नारीवादी संदर्भों में प्रगतिशील कविता थीं। लेकिन निराला के अलावा प्रगतिवाद तक और उसके बाद तक भी सफर करने का जो सबसे बड़े कवि हुए हैं वो हुए हैं पंत। पंत की कविता को कहा जाता है कि पंत ने अपनी कविता का विस्तार बहुत किया। छायावाद से शुरू करके वो प्रगतिशील, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता के बाद ये 80 के दशक तक कविताएं लिखते रहे हैं। और पंत की कविताओं को आपको फिर से पढ़ना चाहिए। पंत की कविताओं में जो दार्शनिक भावबोध बदलता रहा, क्योंकि उनके दर्शन में लगातार उनका दर्शन प्रभावित होता रहा, वो अनेक दर्शनों से प्रभावित थे और उनके दर्शन का विस्तार होता रहा। उस तरह से कभी वो मानवतावादी कविताएं लिखते रहे, कभी उनका प्रयोगवादी कविताएं भाषा के स्तर पर बहुत प्रयोग उन्होंने किए, प्रगतिशील कविताएं भी उनकी हैं, और उसके बाद नई कविता आंदोलन तक भी पंत आते हैं। तो निराला के अलावा कुछ छिटपुट कविताएं महादेवी की हैं जिन्होंने थोड़ा सा प्रगतिशील कविता तक आती हैं, और भी कविताएं, आधुनिक कविताएं, नई कवि उसमें भी लिखा उन्होंने, 60 के बाद भी लिखती रही वो। लेकिन जो निराला के अलावा एक और सबसे बड़ा नाम है वो पंत का ही है, जिनकी काव्य यात्रा सबसे ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। जी सर, धन्यवाद सर। मैं जल्दी जल्दी प्रश्न लेता हूँ क्योंकि समय भी अधिकतर होता जा रहा है, तो एक प्रश्न मैं लेता हूँ। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि उत्तर छायावादी काव्य में या उत्तर छायावादी काल में जो कविता की भाषा शैली कैसी थी, उस दौर में लय और छंद किस प्रकार के थे? हाँ, अब देखिए कि छायावादी कविता में एक चीज कही थी निराला ने, खुल गए छंद के बंध, यानी छंद के बंधों के खुल जाने की बात कही थी। यानी उन्होंने कहा कि कोई लय और छंद, छंद कोई बहुत जरूरी नहीं है कविता में। लेकिन उत्तर छायावादी कविता में एक बार फिर से थोड़ी सी लय और छंद आ गए थे। वो किस रूप में आए थे वो मैं बता देता हूँ।
छायावाद, उत्तर छायावाद में दो काव्य आंदोलन को, जो काव्य धाराएं थी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा और दूसरी प्रेम और मस्ती की काव्य धारा। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में जो कविताएं लिखी जा रही थी, बिना लय और तुक और छंद के संभव नहीं थी कि वो ऐसा लिख दें। जनता को वह चीज ज्यादा याद रहती है जो लय और तुक तान में है, इसलिए तुलसी की कवि मार्दालियां, तुलसी की पंक्तियां बहुत याद हैं। कबीर के दोहे, रहीम के दोहे लोगों को ज्यादा याद है, बनिस्बत छायावादी कवियों की रचनाएं नहीं याद है। तो छायावादी कवियों में क्या था, छंद टूट गया था, लेकिन उत्तर छायावादी कवियों ने थोड़ा सा फिर से उस छंद को रिकॉल किया। फिर से आप देखिए कि जब ये लिखते हैं, ये आपके हालाबाद में बच्चन लिखते हैं, तो बच्चन का जो मधुकलश है या मधुशाला है, आप उठा पढ़िए, तो बड़ी लय और छंद में लिखी हुई कविता है। वो है ना, बहुत सारी पंक्तियां हैं, आपको एक आध मैं सुनाता हूँ कि लिखते हैं कि बड़े बड़े नाजों से मैंने पाली है साकी बाला, कलित कल्पना का ही इसने सदा उठाया है प्याला, मान दुलारों से ही रखना इस मेरी सुकुमारी को, विश्व तुम्हारे हाथों में। तो ये सब कविताएं क्या थी, लय में भी थी और छंद में भी थी। तो उत्तर छायावादी कविताओं की जो काव्य भाषा थी, उसमें थोड़ी सी लय भी आ गई थी, थोड़ी छंद भी आ गई थी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। या उत्तर छायावादी कविताओं में जितनी भी रचनाएं दिनकर की हैं, वो सारी रचनाएं लय और छंद में आपको मिलेंगी। ये आप इनकी माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा से लेकर जितनी कविताएं हैं, वो सब छंद में भी हैं, लय में भी हैं। आपकी बच्चन की सारी कविताएं, इस पार प्रिय मधु है तुम है, उस पार न जाने क्या होगा, ये सारी कविताएं लय और छंद में हैं। लेकिन छायावादी कविताओं में लय छंद टूट गया था। अब आप राम की शक्ति पूजा पढ़ लीजिए, सरोज स्मत पढ़ लीजिए, इनमें कहीं कोई छंद नहीं है। महादेवी वर्मा की दीपक कविता पढ़ लीजिए, अनेक कविताएं पढ़ लीजिए, पंत की कविताएं पढ़ लीजिए, प्रसाद की कामायनी को छोड़कर सारी कविताएं आप पढ़ लीजिए, उन सब में कोई छंद नहीं मिलेगा। लय कविता की एक खास बात होती है कि अगर बाहरी लय नहीं दिखती है, तो कविता में एक आंतरिक लय होती है, वो लय आपको छायावादी कविताओं में दिखेगी और उत्तरवादी छायावादी कविताओं में दिखेगी। ठीक है, जी सर, ये बच्चन की ने एक अनुवाद भी किया तो उसमें भी देखने को मिलती है ना, जहाँ वो लिखते हैं कि गहन सहन मनमोहक वन तरु मुझको याद दिलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं, अभी कहाँ हाँ आ हाँ रहा हूँ बिल्कुल, बताइए, निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको, मिलो हमको चलना। हाँ बस बस जी वैसे ही कुछ है। जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। एक विद्यार्थी पूछते हैं कि राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति किस काल में या हिंदी साहित्य में किस दौर से शुरू होती है, राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति? राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति हमारे आदिकाल से ही मिलती है। हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है आदिकाल में, आदिकाल से हमारा हिंदी साहित्य शुरू हुआ, उसमें जो पहला काव्य आंदोलन हुआ उसका नाम ही था वीर गाथा काल। वीरता है तो युद्ध होगा, युद्ध होगा तो राष्ट्रीयता होगी। अब हमें थोड़ा सा विचार करना होगा कि थोड़ी राष्ट्रीयता में फर्क जरूर होगा। अब उस समय की जो राष्ट्रीयता थी, भारत देश बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा था, कहीं का कोई राजा था, कहीं का कोई राजा था। उस समय राजाओं में आपसी युद्ध भी हुआ करते थे, तो हर राजा की दृष्टि से राज्य बदल गया, हर राजा की दृष्टि से राष्ट्र बदल गया। तो राष्ट्रीयता की जो अभिव्यक्ति थी वो आदिकाल से ही हमें मिलने लगती है। आपका जो पहला काव्य है हमारा, उसको हम राष्ट्रवादी भी काव्य कह सकते हैं, जो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो से होते हुए, जो आला उदल की परंपरा से आप आदिकालीन साहित्य से होते हुए फिर भक्ति काल में आते हैं, रीति काल में आते हैं, आधुनिक काल में आते हैं, तो राष्ट्रीयता की पहली अभिव्यक्ति हमें वहां मिल जाती है। आपको याद होगा ऐसे ऐसे कवि हुए हैं हमारे यहाँ कि चावल के दाने पर पूरे युद्ध का वर्णन लिखते थे या कुछ छवि बनाते थे उसकी। तो यह वीरता थी, जहाँ वीरता है वहाँ शौर्य होगा, वहाँ पराक्रम होगा और वहाँ हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और चिंता भी निखर कर सामने आएगी। आप देखिए कि बहुत सारे पद्मावती वगैरह प्रसंग तो आपको मालूम ही है, ये तो भक्ति काल की शुरुआत में,
अब गोरा बादल वगैरह की जो बहुत सारी रचनाएं हैं जो राष्ट्रीयता के कितने अंदर तक उस भावबोध में भरी हुई है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जो काव्य की चिंता है, राष्ट्र काव्य में जो राष्ट्रीय चिंता है, वो हमें आदिकाल से ही मिलने लगती है। जी सर, मैं अंतिम प्रश्न एक आपके समक्ष रखता हूँ, उसके बाद हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अंतिम प्रश्न सर, एक विद्यार्थी पूछते हैं कि छायावाद युग के मुख्य प्रवर्तक कौन है, या इस युग को छायावाद कहने के पीछे का मूल कारण क्या है, क्यों उसे हम छायावाद ही कहें? देखिए, मुकुटधर पांडे का नाम सुना है? मुकुटधर पांडे ने पहली बार छायावाद को कहा कि छायावाद शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि यह कविता जो है वो रविंद्र की कविता से प्रभावित है। छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है पल्लव की भूमिका को। पंत की एक रचना है पल्लव, पल्लव की भूमिका आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, मैनिफेस्टो ऑफ छायावाद, तो उसे पढ़ना चाहिए। और मुकुटधर पांडे ने जो बात कही, दो तीन बातें थी। एक, लोग इसको अपना राष्ट्रीय, इसको अपना कविता का निजी जागरण मानते थे। कुछ लोगों ने कहा कि यह प्रभाव है रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविता का, बंगला कविता का, और कुछ लोग इसको मानते थे पश्चिम में जो रोमांटिसिज्म है उसका प्रभाव मानते थे। तो इस रूप में इस पूरी कविता को हमें समझना चाहिए। छायावादी जो चार प्रमुख कवि हुए हैं, सबसे प्रमुख उसमें शुरुआत पंत की ही थी। पंत की कवि ग्राम्या प्रसाद की है। प्रसाद बहुत सारा विरोध भी है, पर कोई प्रसाद को पहला कवि मानता है, कोई पंत को मानता है, लेकिन मानने से महत्वपूर्ण है जानना। आप समझिए, पल्लव की भूमिका पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको ये पता भी चल जाएगा कि यह कविता रोमांटिसिज्म से प्रभावित कविता थी, या बांग्ला कविता से प्रभाव आया था, या स्वतः स्फूर्त कोई आंदोलन था। इस रूप में हमें इसे देखना चाहिए। ठीक है, जी सर, क्षमा चाहूंगा, एक प्रश्न एक आ गया विद्यार्थी का, मैं आपके समक्ष रखता हूँ। हाँ, जरूर। अंतिम प्रश्न, इसके बाद मैं और प्रश्न नहीं लूंगा, मैं पहले ही कर दे रहा हूँ। एक ठीक, विद्यार्थी पूछते हैं कि प्रगतिशील कविता के संदर्भ में हिंदी आलोचना में नामवर सिंह की भूमिका किस प्रकार रही है? हाँ, प्रगतिशील कविता के संबंध में जो प्रगतिशील आलोचना है, उसमें जो तीन प्रमुख आलोचकों का नाम लिया जाता है, उसमें शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह का लिया जाता है। थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें, वो समझ लीजिए। रामविलास शर्मा और नामवर सिंह की जो चिंतन में बड़ा लोगों ने बड़ा वो किया है, उन्हीं आपसी जो उनकी टकराहट थी उसे थोड़ा समझ लें तो शायद हम नामवर सिंह की दृष्टि समझ पाएंगे। नामवर सिंह खाटी मार्क्सवादी थे, कम्युनिस्ट थे, रूस को अपना नेता, रूस की जो वैचारिकी थी या रूस को अपना नेता मानने वाले लोगों में थे। इन लोगों का मानना ये था कि क्रांति, जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक जो हमारी सत्ता है वो जनता के या सर्वहारा के हाथ में नहीं जाएगी। इसी रूप में उस साहित्य को उन्होंने देखने और परखने की दृष्टि विकसित की। कहा जाता है कि नामवर सिंह की जो मार्क्सवादी आलोचना की दृष्टि थी वो पश्चिम से प्रेरित थी, यानी मार्क्सवाद से प्रेरित थी। वहीं रामविलास शर्मा की जो दृष्टि थी वो बड़ी भारतीय दृष्टि थी। रामविलास शर्मा ने प्रगतिशीलता के संबंध में यह बात बार बार रेखांकित की है कि हमें प्रगतिशील साहित्य के लिए या प्रगतिशील कविता कैसी होनी चाहिए, इसके लिए मार्क्सवाद पढ़ना जरूरी नहीं है। इसके लिए हमारी जो विश्व करुणा है, हमारे पास शांति, अहिंसा और मानवीय करुणा का बहुत बड़ा व्यापक फलक है, उस आधार पर हम कविता की व्याख्या कर सकते हैं। नामवर सिंह चूंकि प्रगतिशील कविता और प्रगतिवादी कविता का जो वैचारिक आधार था वो मार्क्सवाद ही था, तो नामवर सिंह इस पक्ष में थे कि जो आलोचना की भी कसौटी बने वो मार्क्सवादी विचारों पर आधारित ही बने। तो इस रूप में कहें कि मार्क्सवादी प्रगतिशील कविता या प्रगतिवादी कविता की जो तर्कसंगत व्याख्या की बात नामवर सिंह कर रहे थे, प्रगतिशील
और मार्क्सवादी काव्य आंदोलन काव्य आलोचना दृष्टि से ही कर रहे थे। इस रूप में इनका बड़ा महत्व है, इन्होंने एक नई दृष्टि दी और मार्क्सवादी दृष्टि से इन्होंने कविता को देखने की वकालत की। थोड़ी सी भिन्नता रामविलास शर्मा से इनकी रही, जो अक्सर विवाद का कारण भी बनती रही। वो आप नामवर और उनके ये वाद विवाद संवाद एक पुस्तक है, वाद विवाद संवाद नामवर सिंह की एक पुस्तक है, उसमें आपको पढ़ने और समझने को मिल जाएगा। तो आज इतना ही, जी बहुत सर, निश्चित तौर धन्यवाद पे। जी अभिषेक जी जी। सर, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ औपचारिक रूप से आज की कक्षा समाप्त होती है। और आज के हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अविचल गौतम सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि छुट्टी के दिन सर मैंने आपका समय लिया, आपने अपना समय दिया और समय कुछ ज्यादा ही दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, शुक्रिया। अरे अच्छा लगता है बच्चों के साथ। लॉकडाउन में वैसे भी हम सब शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि विद्यार्थी नहीं मिलते, तो विद्यार्थियों के साथ संवाद करके अच्छा लगा। आप सब लोगों का बहुत आभार, धन्यवाद है। ओके जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद जिनके वजह से कोई भी कक्षा पूर्ण होती है। आप बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। हमारी टेक्निकल टीम रुद्र सर का, रुद्र प्रताप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने संयम रखा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, तकनीकी सहायता दी, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ इसी के साथ आज की सर, थैंक यू सर, इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अपना समय देने के लिए। और इसी तरह निरंतर पढ़ते रहिए। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आने वाले सप्ताह में फिर से कुछ नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ हम लोग कक्षा करेंगे। वो और जो भी कक्षा जब भी तय होगी उसकी सूचना आप लोगों को पहले से दी जाएगी। और आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि किसी भी विषय या किसी भी कक्षा को अटेंड करने से पहले उस विषय के संबंध में हल्की फुल्की बातें या जो भी बेसिक चीजें हैं उसे पढ़ के आए, ताकि आप लोग, क्योंकि कुछ प्रश्न आज आए हैं, मैं माफी चाहूंगा कि मैंने कुछ प्रश्न ना उठाया, उसका कारण यह है कि बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर आप पूछेंगे हिंदी साहित्य के कालखंड, अब आदिकाल, भुक्ति, रीति, आधुनिक, इसको कोई ना जानता हिंदी साहित्य पढ़ेगा तो ये तो मेरे क्या, मेरे कहने की दृष्टि में क्या कहूँ, आप ही समझ लीजिए। तो इन सब बेसिक चीजों को मत पूछा कीजिए, आप पूछिए कुछ प्रमुख प्रश्न, पूछिए, किताबें पढ़ के आइए, उसके बाद आपके मन में जो द्वंद्व हो तो उसे रखिए, लेकिन आप ये छिटमुट चीजें, जो बेसिक चीजें होंगी उसे आप पूछेंगे तो ये आपको भी शोभा नहीं देगा या मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं विशेष क्वेश्चन के सामने रखूं। वो भी सोचेंगे कि विद्यार्थी कुछ पढ़ के नहीं आ रहे, ये छोटी अच्छी चीजें भी पूछ रहे हैं। तो अनुरोध है कि इन सब चीजों से थोड़ा बचे और पढ़े, खूब पढ़े, और लॉकडाउन का समय है, पढ़ते हुए बिताए, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, घर में रहे, अपने और अपनों का ख्याल रखे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कक्षा समाप्त होती है। आपके जो भी, अगर इसके अतिरिक्त जो भी विषय से संबंधित प्रश्न होंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां पे मुझे कह दीजिएगा, मैं सर तक आपके प्रश्न पहुंचा दूंगा और सर से उत्तर भी लेकर के आप तक पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार रुद्र सर, थैंक यू सर।